हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द BITN। यहाँ पर हम लोग इससे पहले जो आज की वीडियो जो बनाने वाला हूँ, इससे पहले एक वीडियो है बनी हुई जो क्वेश्चन आंसर सेशन वन है, जो उसमें मैंने लगभग 350 क्वेश्चन कराया है और लगभग का लगभग स्टैटिक पोर्शन सारा कवर हो जाता है उसमें। झारखंड का जो पेपर टू का सिलेबस है, इस वाले जो पोर्शन में स्टार्ट होंगे, इसमें मैं करूंगा लगभग लगभग 400 क्वेश्चन, 400 से प्लस क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन वीडियो नंबर दो होगा, और दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो लगभग का लगभग पेपर टू कंप्लीट हो जाना है। मतलब इससे बाहर आप उम्मीद कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली यू विल गेट एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, दीज टू वीडियो। सो लेट स्टार्ट विद द सेकेंड सेशन, Q&S 2। यहाँ पर क्या पढ़ने वाला है, सबसे पहले झारखंड मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद और भी झारखंड के की फैक्ट्स पढ़ेंगे, मतलब जो फैक्टुअल चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जो डायरेक्टली कुछ सवाल वहाँ पर आने वाले हैं जिससे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट पहला सवाल से, झारखंड मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें थी। कलर चेंज कर लेता हूँ और शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल जो है कि हु इज़ द सदांस इन झारखंड। सदांस क्या है? अच्छा, इससे पहले अगर आपको वीडियोस देखनी है झारखंड मूवमेंट को रिले करके या टॉपिक वाइज पे, तो आप चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसमें JPSC और JSSC करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और वहाँ से देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। पहला सवाल अब स्टार्ट करते हैं, हु इज़ द सदांस इन झारखंड। तो सदान कौन थे झारखंड में, झारखंड में सदांस किन को बोला जाता है? तो ये हो जाते हैं हमारे नॉन ट्राइबल्स नेटिव। देखिए यहाँ कंफ्यूजिंग दो चीज़ हो सकती है इसमें ऑप्शंस। ये एक तो ऑप्शन डी होता है, डी ऑप्शन बता रहा है कि पीपल सेटल्ड इन झारखंड फ्रॉम अदर स्टेट। देखिए ये चीज़ है कुछ हद तक, लेकिन पीपल सेटल्ड केम एंड सेटल्ड, दूसरे जगह से आए वो तब के जब आर्यन काल के थे, मतलब इंडो आर्यन जब कहते हैं, तब आए और तब सेटल हुए, उनको सदांस कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अभी बाहर से आए सेटल हुए और उन्हें सदांस कहेंगे। तो नॉन ट्राइबल्स जो भी नेटिव्स हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनको सदांस कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं और आगे क्या क्या है। तो सदांस आर रेसियली रिलेटेड टू, सदांस कौन से रेस से होते थे, आर्य, द्रविड़ियन और मंगोल, या फिर ए एंड बी बोथ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सदांस जो होते थे वो आर्यन से भी होते थे रेस से, और द्रविड़ियन रेस से भी होते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। थर्ड नंबर है, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीफ ऑफ द सदांस विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सदांस को लेकर के जो उनकी रिलीजियस व्यूज़ थी, उनको लेकर के इनमें से चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, सदांस आर वर्शिपर्स ऑफ सूर्य एंड मनसा। ये हाँ, तो ये तो सही है बिल्कुल। सदांस डू नॉट वर्शिप द डाइटी, क्या कुल देवता जो होते थे उनको पूजा नहीं करते हैं सदांस? तो ये गलत है बिल्कुल, ये भी करते हैं। सदांस आर फ्री फ्रॉम प्रिस्टहुड एंड रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म और प्रिस्टहुड से क्या फ्री थे सदांस? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनमें भी ये प्रथा थी। तो ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, सदांस आर वर्शिपर्स ऑफ सूर्य एंड मनसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर, सदांस सोसाइटी इज, चार नंबर क्या है, सदांस सोसाइटी इज पैट्रियार्कियल, मैट्रियार्कियल, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो मैट्रियार्कियल नहीं होता है, मतलब मातृसत्ता जिसको कहते हैं, कि अपने पुत्र, जो अपने पुत्र होगा है ना, उसको पिता की सत्ता को पुत्र को मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं पैट्रियार्कियल। तो पैट्रियार्कियल सिस्टम था इसमें सदांस में, सदांस के सोसाइटी में पैट्रियार्कियल सिस्टम माना जाता है। चेरो, यहाँ पे चेरा है, चेरो वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चेरो कौन से फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स के में से किसके रूलर थे? तो इसमें हो जाते हैं पलामू के। अगर चेरो रिवॉल्ट आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे JPSC JSSC से प्लेलिस्ट मिलेगा आपको वीडियो ऑफ रिवॉल्ट्स, जो झारखंड में ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं वहाँ पे आपको चेरो जनजाति मिलेगी, कि पलामू के चेरो रिवॉल्ट हुआ कर, चेरो रिवॉल्ट पलामू में हुआ था और पलामू में पाए जाते हैं चेरो जनजाति। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द वर्कर्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील। देखिए ये एक बिना मतलब का क्वेश्चन है, लेकिन है तो देख लेते हैं, कि बोलता है कि टाटा आयरन एंड स्टील के वर्कर्स कब जमशेदपुर में धरना दिए थे।
स्ट्राइक में बैठ गए थे। तो ये आंसर है 1918 में। हालांकि बहुत बार धरना होती रहती है, लेकिन इस एक धरना का डेट दे दिया है तो आपको देख लेना है चाहिए, बस और क्या। साथ है क्या, व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू झारखंड, झारखंड में पहली बार महात्मा गांधी कब आए। देखिए यहाँ से दो तीन सवाल बन सकता है, महात्मा गांधी क्या झारखंड में आए थे, बिल्कुल आए थे, कब पहली बार आए थे तो वो डेट, और आखिरी बार कब आए थे वो एक सवाल, और कुल मिलाकर कितने बार आए थे वो भी एक सवाल। तो पहला सवाल जो है कि कब आए थे पहली बार, तो पहली बार आए थे 1917 में जून 4, और ये कब किस लिए आए थे, तो बस वही ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवॉल्ट हो रही थी उन्हीं को सपोर्ट करने आए थे, उन्हीं को उनमें ही ताकत भरने के लिए आए थे। और वेयर वॉज द मौलाना, 8 नंबर, वेयर वॉज द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डिटेन फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए झारखंड में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कहाँ पर बंदी बना करके रखा गया था, तो वहाँ उन्हें बंदी बना करके रखा गया था रांची में। मौलाना अब्दुल कलाम से और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। When was the हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कमेटी established? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कमेटी कब establish हुई थी? देखिए इससे पहले जो वीडियो देखे थे वहाँ पे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का establishment कब हुआ था, तो वो 1834 में हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कमेटी कब establish की गई थी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1920 को, 1920 को कमेटी को establish किया गया था। 10 नंबर क्या है, इट वॉज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द झारखंड, कौन सा इनमें से एरिया जो था प्रोमिनेंट सेंटर था, मतलब इसमें डेफिनेटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता ही होता, चलता ही रहा, मतलब सेंटर बोला जा सके जिसको, तो ये था रांची, है ना, रांची था इस प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर है विच वॉज द 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अक्टूबर, सॉरी वेयर, कहाँ पर हुआ था जो 16वां सेशन था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि अक्टूबर में हुआ था 1929 में, तो ये हुआ था हमारा हजारीबाग में। हजारीबाग में क्या हुआ था, 16वें सेशन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां सेशन हजारीबाग में हुआ था। 12 नंबर क्या है, हु स्प्रेडेड अ नॉन सरेंडर मूवमेंट इन झारखंड, सरेंडर नहीं करना है, है ना, ये मूवमेंट कौन फैलाया था झारखंड में, तो ये फैलाए थे विष्णु माधुरी ने। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जो 13 नंबर है, 13 नंबर कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट 26 जनवरी 1930, मतलब 1930, 26 जनवरी 1930 को इनमें से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में फुल इंडिपेंडेंस झारखंड में सेलिब्रेट किया गया था, यही है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सिंपल से आप याद रख लीजिए कि पूरा झारखंड में सेलिब्रेट किया गया था और 26 जनवरी 1930 को, कि आज हम लोग फुल इंडिपेंडेंस मनाते हैं झारखंड में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द जवाहर दिवस डे ऑर्गेनाइज्ड, जवाहर दिवस डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वर्ल्ड वाइड जवाहर डे कहने का मतलब है चिल्ड्रंस डे, तो 14 नवंबर, और ये डेट ऑफ बर्थ होता है जवाहरलाल नेहरू का, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम है इसीलिए इस डे को भी हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रंस डे की तौर पे, और 14 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 15 नंबर क्या है, इन विच जेल वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन, डॉक्टर कहता है 15 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झारखंड के किस जेल में रखा गया था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चलाया गया तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में डाल दिया गया था, तो और कौन से जेल में डाल दिया गया, तो वो डाल दिया गया था उन्हें हजारीबाग के जेल में, हजारीबाग में नेशनल जेल है, सेंट्रल जेल है, वहाँ पर उन्हें डिटेन करके रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, और ये कब हुआ था, तो इसका डेट देख लीजिए आप, ये हुआ था 1931 को, 12 मार्च 1931 को इन्हें डिटेन जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। 16 नंबर क्या है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट रांची फॉर द लास्ट टाइम, देखिए मैंने पहला क्वेश्चन क्या बताया था, पहली बार कब आए थे, तो 1917 में आए थे 4 जून को, ठीक है, महात्मा गांधी। लास्ट टाइम कब आए थे, तो लास्ट टाइम आए थे ये 1940 में आए थे, और यहाँ लास्ट टाइम होते होते ये कुल 11th टाइम तक आ चुके थे झारखंड में, और लास्ट टाइम कहाँ आए थे, तो वो आए थे
53rd एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन यही है कि वेयर डिड द 53rd एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53वां जो अधिवेशन हुआ था, हिंदी में कहते हैं तो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रामगढ़ में, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक और सवाल है अधिवेशन से, और इसी में आखिरी बार गांधी जी भी आए थे, ये भी याद रखना है ना। और कुल कितनी बार आ गए थे, 11 बार, और 11th टाइम था ये। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हुम प्रिसाइडेड ओवर द रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस, मतलब रामगढ़ में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें हेड कौन थे, कौन लीड किए थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको लीड किया था। ठीक है, 19 नंबर क्या है, अगस्त 14, 1942 को स्कूल स्टूडेंट्स ने झारखंड में क्या किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के प्रोसेसन निकाल दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाई गई थी पूरे देश भर में, तो 14 अगस्त 1942 को झारखंड के कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स बच्चों ने एक प्रोसेसन निकाला था, मार्च निकाला था क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो ये निकाले थे रांची में जिला स्कूल के स्टूडेंट्स ने इसको निकाला था। अब 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर कहता है अंडर हूज लीडरशिप डिड मानगढ़ ट्राइबल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930 में मानगढ़ जो ट्राइबल मूवमेंट था, वो रिवॉल्ट था, वो किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ, तो ये किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, तो नायक गुरु के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। 21 नंबर क्या है, हु वॉज बींग कॉल्ड एज द जतिन बागा ऑफ हजारीबाग, जतिन बागा किसे कहते हैं हजारीबाग का, तो इसको कहते हैं हम लोग राम विनोद सिंह को जतिन बागा के नाम से भी जाना जाता है हजारीबाग के। ठीक है, हु डिड तिलक मांझी टारगेटेड किल, अच्छा तिलक मांझी आपको याद होगा संताल रिवॉल्ट जब हम लोग पढ़े थे, तो संताल रिवॉल्ट में तिलक मांझी ने किसी एक अंग्रेजी हुकूमत के अंग्रेजी ऑफिसर को अपने तीर से मार दिया था, उसी के बाद इनको पकड़ करके फाइनली भागलपुर में ले जा करके फांसी दे दी जाती है एक बरगद के पेड़ के नीचे। तो 22 नंबर वही कह रहा है कि कौन से अंग्रेजी ऑफिसर को इन्होंने मार दिया था, तो क्लेवलैंड नाम करके अंग्रेजी ऑफिसर थे, उनको मार दिया था यहाँ पर इन्होंने तीर से। ठीक है, इन विच ईयर तिलक मांझी वाज अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स, और कौन से ईयर में इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के बारे में तिलक मांझी को, तो तिलक मांझी को 1785 में अरेस्ट कर लिया गया था बाय ब्रिटिशर्स, है ना। 24 नंबर देखते हैं, वेयर डिड ब्रिटिशर्स हैंग, अच्छा वही सवाल जो अभी पहले मैंने बता दिया कि ब्रिटिशर्स ने तिलक मांझी को कहाँ हैंग किया था, तो वो भागलपुर में हैंग किया था, और वो भी बरगद पेड़ के नीचे, जहाँ के स्थान को अभी नाम से जाना जाता है बाबा तिलक, है ना। 25 नंबर क्या है कि व्हेन वाज बिरसा मुंडा बॉर्न, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म आपको इसको याद रखना बहुत आसान है, डेट तो 15 नवंबर याद रख लीजिए, जब झारखंड अलग हुआ यही डेट को अलग किया गया जब बिरसा मुंडा का बर्थ डेट था, और ये जन्म इनका हुआ 1875 को। नेक्स्ट 26 नंबर क्या है कि बिरसा मुंडा को अरेस्ट करने के लिए, बिरसा मुंडा को कोई पकड़ के इनके सामने पेश कर दे ब्रिटिशर्स के सामने, इसके लिए कितना इनाम रखा था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो वो 500 रुपए का इनाम रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 27 नंबर क्या कहता है, तो 27 नंबर कहता है कि व्हाट वाज द रीज़न साइटेड एज फॉर बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के डेथ का रीज़न क्या बताया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि ये कितना सही है कितना गलत है ये कभी खुल के नहीं सामने आ सकी, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी जेल में ही, रांची के ही जेल में, तो ब्रिटिशर्स ने बताया गया कि कोलेरा से इनकी मौत हो गई, कोलेरा हो गया था इनको और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कब बिरसा मुंडा का डेथ हुआ, तो बिरसा मुंडा का डेथ हुआ था जून 9, 1900 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29 में क्या कहता है, बिरसा मुंडा स्टार्टेड द रिफॉर्मिस्ट, मतलब बिरसा मुंडा जो थे वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन मुंडा सोसाइटी, है ना,
स्टार्ट किए थे और वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, तो वो बिरसाइट्स को प्रमोट करने लगे थे, ठीक है, बिरसाइट को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। 30 नंबर क्या है, 30 नंबर कहता है व्हेन डिड द फर्स्ट यूरोपियन अराइवल, यूरोपियन अराइवल बोले या फिर ब्रिटिशर्स का अराइवल बोले, तो पहला इसका आंसर बस यही हो जाता है 1767। क्यों? क्योंकि 1767 में ही ढाल रिवॉल्ट हुआ था और मानभूम के क्षेत्र से ब्रिटिशर्स ने एंट्री करना स्टार्ट किया था और वहाँ के जो राजा ढाल सिंह थे उनके फिर उन्होंने रिवॉल्ट किया था इन लोगों के खिलाफ। और 31 क्या बोलता है, 31 कहता है कि विच रिबेलियन डिड बुद्धा भगत वाज एसोसिएटेड, बुद्धा भगत कौन से रिबेलियन से एसोसिएट करते हैं या फिर इनमें से कौन से रिबेलियन के हेड या फिर स्थापना करने वाले, स्टार्टिंग करने वाले कौन थे, बुद्धा भगत इनमें से कौन से रिबेलियन के थे, तो इसका आंसर हो जाता है कोल रिबेलियन। 31 का क्या, ए यानी कोल रिबेलियन। 32 का क्या है कि टू कैप्चर बुद्धा भगत, देखिए यहाँ पे बुद्धा भगत को भी कैप्चर करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने रिवार्ड रखा था, इनाम रखा था, तो वो कितना इनाम रखा था, तो ब्रिटिशर्स ने बुद्धा भगत को अरेस्ट करने के लिए इनाम रखा था 1000 रुपये का, कितना इनाम रखा था, तो 1000 रुपये का। 33 नंबर क्या है, व्हेन डिड बुद्धा भगत डाई, बुद्धा भगत की मृत्यु कब हुई थी, तो February 14, 1832 को हुई थी इनकी मृत्यु, February 14, 1832 को, 1832 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 34 की बात करें तो 34 में पूछ रहा है कि विच जेल वाज रानी सर्वेश्वरी लॉजिंग आफ्टर हर अरेस्ट, रानी सर्वेश्वरी से एक और सवाल है जो आगे आएगा, डेफिनेटली मैंने उसको रखा है, तो वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से रानी सर्वेश्वरी को कौन से जेल में रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, आंसर सी, भागलपुर के जेल में रखा गया था रानी सर्वेश्वरी को। 35 क्या है, व्हेन वाज सिद्धू कानू हैंग्ड, देखिए ये सवाल में थोड़ी सी गलती है, सिद्धू कानू को एक साथ हैंग नहीं किया गया था, सिद्धू को अलग हैंग किया गया था और कानू को अलग हैंग किया था, पहले सिद्धू पकड़े गए थे फिर बाद में कानू पकड़े गए थे, सिद्धू को पकड़ा गया था जब तो उन्हें हैंग किया गया था 5 दिसंबर 1855 को, और जब कान्हू पकड़ाए थे तो कान्हू को हैंग किया गया था 23 फरवरी 1856 को, और इन्हें हैंग किया गया था इन्हीं के अपने विलेज में जो कि भागना डी विलेज था, ठीक है। अब देखिए वेयर डिड चांद भैरो डाई, चांद भैरो कहाँ पे मरे थे, तो चांद भैरो को गोली मार दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा और वो मरे थे बरहेट में, बरहेट में ही उन्हें गोली मार दी गई थी, गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उनकी, चांद भैरो की। अब चांद भैरो कौन थे, तो चांद भैरो भी संथाल रिवेलियन से ही एसोसिएटेड थे सिद्धू और कानू के साथ ही। 37 क्या है, 37 कहता है वेयर डिड सिद्धू कानू ऑन 30 जून 1855 एड्रेसेस द पब्लिक मीटिंग, 30 जून को सबसे पहले, देखिए संथाल रिबेलियन स्टार्ट ही हुआ था कितना 1855 से 58 तक ये चला था, ठीक है, अब 55 को स्टार्ट हुआ था और यहीं से रिबेलियन स्टार्ट हुआ था, सिद्धू और कानू मिलकर के 30 जून 1855 को अपने ही गाँव में एक मीटिंग बुलाए थे जिसमें बहुत ही गाँव वाले आए थे, लगभग कहा जाता है कि 3000 समथिंग लोग आए हुए थे, तो उस मीटिंग को कहाँ पे बुलाया था, तो ये भागना डी अपने ही गांव में इनको इस मीटिंग को रखा था इन लोगों ने। 37 का आंसर क्या हो जाता है, आंसर बी, भागना डी। 38 क्या है, फ्रॉम वेयर कान्हू अरेस्टेड इन February 1856, जो February 1856 को वो कान्हू को कहाँ से अरेस्ट किया गया था, तो कान्हू को अरेस्ट किया गया था उपरबंधा से। देखिए बागनाडी इनका गांव था, यहाँ पे इनको फांसी दी गई थी, बरहेट में चांद और भैरव को गोली मारी गई थी, और मांझी तो रांची में, ये संथाल परगना का पार्ट है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए ऊपर अपरबंधा है ना। 39 क्या है, 39 कहता है कि हु एस्टैब्लिशेस द जगन्नाथ टेम्पल रांची, जगन्नाथ टेम्पल रांची को किसने एस्टैब्लिश किया, तो ठाकुर, इसका आंसर है ठाकुर यानी सहदेव, क्या है सहदेव इसने एस्टैब्लिश की थी जगन्नाथ टेम्पल रांची को। 40 नंबर क्या कहता है, तो 40 कहता है कि वेयर वॉज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, वेयर वॉज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बॉर्न, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कहाँ पे जन्म हुई थी उनकी, तो सतरंजी में हुई थी इनका जन्म, सतरंजी में हुआ, सतरंजी है कहाँ, तो ये रांची में ही स्थित है।
अब आगे बात करते हैं 41 की। तो 41 विच रिवेलियन डिड ठाकुर विश्वनाथ सहदेव लीड। अब इसी विश्वनाथ सहदेव ने कौन से रिवेलियन को लीड किया था, तो इन्होंने लीड करी थी डोरंडा मिलिट्री रिवॉल्ट को। डोरंडा मिलिट्री रिवॉल्ट ये 1857 के टाइम का जो विद्रोह था, रिवॉल्ट था, उसी से रिलेटेड था ये। 42 नंबर का सवाल क्या है, 42 नंबर कहता है कि इन द मिलिट्री कॉप द चैलेंजेस ऑफ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, सॉरी कलीग्स ऑफ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वेयर। देखिए इन्होंने लीड किया था डोरंडा मिलिट्री रिवॉल्ट को, अब यहाँ पे इनके कलीग कौन थे ठाकुर विश्वनाथ के, तो इनके कलीग थे गणपत राय। कौन थे इनके कलीग, गणपत राय। इनके कलीग कौन थे, तो गणपत राय थे। 43 की बात करें तो 43 में क्या है, वेन वॉज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैंग। अब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब हैंग कर दिया गया था, तो इन्हें हैंग कर दिया गया 1857 में विद्रोह हुआ, तो 1858 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई, और फांसी दे दी गई 16 अप्रैल 1858 को। याद रखना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। आगे देखते हैं इधर हम लोग आते हुए 44 नंबर की बात करें हम लोग, तो 44 में क्या है, विच प्लेस वॉज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है हैंग। और 44 में है कि सबसे पहले फांसी दे दी, विश्वनाथ के बारे में हम लोग पढ़ें कि किस कहाँ पे पैदा हुए, क्या रिवॉल्ट ये इन्होंने लीड किया, और कब इनको फांसी दी गई, इनके सहयोगी कौन थे, और कहाँ फांसी दी गई, तो इन्हें फांसी दी गई रांची में। रांची में ही ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कौन से रिवॉल्ट से रिलेटेड हैं, तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ देश में उससे रिलेटेड हैं, और जो झारखंड में लीड करी गई मिलिट्री, डोरंडा मिलिट्री रिवॉल्ट, वहाँ के वो लीडर रहे। 45 नंबर कहता है कि 45 नंबर में व्हेन वाज शेख भिखारी बॉर्न, शेख भिखारी कब पैदा हुए थे, तो शेख भिखारी का जन्म हुआ था 1831 में। कब हुआ था, 1831 में। अब शेख भिखारी थे कौन, शेख भिखारी थे, देखिए ये भी 1857 के ही रिवॉल्ट से रिलेटेड हैं, है ना। 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ इंडिया में और जो झारखंड में लीड किया, तो इन्होंने, शेख भिखारी ने हज़ारीबाग के एरिया को रिवॉल्ट में, 1857 के रिवॉल्ट में हज़ारीबाग को लीड किया था, हज़ारीबाग में रिवॉल्ट करने का काम किया था। ये थे कौन, तो टिकैत उमराव सिंह जो रामगढ़ के राजा थे उस समय, वहाँ उसके दीवान थे ये। कौन थे, रामगढ़ के राजा टिकैत सिंह, टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। 46 की बात करें तो 46 में क्या है, शेख भिखारी वॉज द दीवान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन जो वही चीज़ आ गया जो अभी बता दिया हमने, तो इसका आंसर क्या है, उमराव सिंह। 47, वेयर वॉज शेख भिखारी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। शेख भिखारी को अरेस्ट किया गया था चुटुपाली वैली में, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चुटुपाली वैली है, वहाँ पर इन्हें अरेस्ट किया गया था। अब अरेस्ट किया तो इन्हें हैंग भी किया जाएगा, ब्रिटिशर्स की यही थी मोनोपोली, ताकि कमज़ोर होता जाए। तो वेन वॉज शेख भिखारी हैंग बाय द ब्रिटिशर्स, शेख भिखारी को कब फांसी की सज़ा मिल गई, तो 48 का आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे, जनवरी 8, 1858 को। 1857 में रिवॉल्ट हो रहा था, 1858 जनवरी में इन्होंने फांसी दे दी ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स की माँ की आँख। 49 में क्या है, खून खोलता है यार कभी कभी, हिस्ट्री पढ़ लो तो दिमाग बौखला जाता है साला। एक तो समाज का जो, समाज में बटे हुए लोग थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट, सब माँ बहन एक करके रखे थे, इन सब की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने इतने दिन राज किया, और ये सब चीज़ें खैर छोड़ो यार, हमें जो देखना पड़ता है। 49 का क्या है, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख भिखारी वेयर डिड रिवेलियन टेक प्लेस। तो ये हजारीबाग में मैंने बता दिया आपको। 50 में क्या बोलता है कि इन विच विलेज टिकैत उमराव सिंह वॉज बॉर्न। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह का जन्म कौन से विलेज में हुआ था, तो ये हुआ था कटंगा विलेज में, है ना, खतंगा विलेज में। 51 की बात करें अगर, तो 51 में है कि टिकैत उमराव सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो टिकैत उमराव सिंह को फांसी दी गई थी जनवरी 1858 को, इनको भी फांसी दी गई, सबको फांसी दे देते थे ब्रिटिशर्स की माँ की आँख साले। 52 क्या है, विच रिवॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा नारायण का हंगामा। गंगा नारायण, और देखो यार कितने बहादुर लोग थे हमारे झारखंड के लोग साले, रिवॉल्ट पर रिवॉल्ट हुआ है, सब ने अपनी जानें दे दी।
गंगा नारायण का हंगामा किसे कहते हैं? तो गंगा नारायण का हंगामा भूमिज रिवेलियंस को कहते हैं। भूमिज रिवोल्ट हुआ था, उसी में गंगा नारायण इसको लीड किए थे और उन्हीं का हंगामा इसको बोला जाता है। ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक ही विद्रोह था ये। 53 की बात करें अगर हम लोग, तो 53 में क्या है, इन विच रिवेलियन डिड फूलो, अच्छा, फूलो जानो, मतलब ये दोनों फूलो जानो सिस्टर्स थी दोनों, वो कौन से रिवेलियन में पार्टिसिपेट किए थे? तो आपको याद रखना है संथाल, इसका आंसर क्या होगा, संथाल। संथाल में क्या क्या थे, सिद्धो कानो, फूलो जानो, ठीक है, और दो भाई थे जो थे वो चांद एंड भैरव। ये 6 लोगों का बहुत ही मुख्य रूप से नाम आता है इस रिवेलियन में, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आता है 54 में, कह रहा है कि नीलांबर पीतांबर है ना, जो ब्रदर थे यहाँ पर, दोनों ब्रदर, वो कहाँ पर रिवेलियन को लीड कर रहे थे 1857 का जो विद्रोह था? तो ये पलामू में लीड कर रहे थे। 55 क्या है, विच ट्राइब डिड नीलांबर पीतांबर ब्रदर्स यूनाइटेड फॉर द रिवेलियन ऑफ 1857? देखिए 1857 का विद्रोह था वो झारखंड में बहुत ही परचरम पे था, बहुत ही तगड़े तरीके से हो रहा था। तो नीलांबर पीतांबर ने पलामू में रिवेलियन स्टार्ट किया, और ये इसने किन कौन कौन से जो ये थे ट्राइब्स थे उनको इकट्ठा किया? तो पलामू में आपको पता होगा कि दो ट्राइब फेमस हैं, चेरो एंड खेरवार, तो इन्हीं को इकट्ठा किया होगा। आप ट्रिक लगा सकते हैं सिंपल सा, तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, है ना। 56 क्या है, एट विच प्लेस वेयर नीलांबर पीतांबर हैंग्ड, नीलांबर पीतांबर को कहाँ पे हैंग किया गया था? तो नीलांबर पीतांबर को हैंग किया गया लेस्लीगंज में, जो कि पलामू में ही है। लेस्लीगंज याद रखिएगा, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नीलांबर पीतांबर को कहाँ पे हैंग कर गया किया गया था? तो लेस्लीगंज, जो कि पलामू में ही है। 57 की बात करें तो 57 में है, वेन वॉज बीर तेलंगा खड़िया बॉर्न? देखिए बीर तेलंगा खड़िया बॉर्न, इसकी भी कहानी बहुत ही रोचक है। बीर तेलंगा खड़िया की कहानी ये है, सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे, सॉरी कब इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था February 9, 1806 को। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुमला डिस्ट्रिक्ट में, गुमला डिस्ट्रिक्ट में February 9, 1806 को इनका जन्म हुआ था। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीर तेलंगा खड़िया वाज पार्ट ऑफ, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन के ये पार्ट थे बीर तेलंगा खड़िया? आप गेस करिए कौन से होंगे, पड़ा, जूधी, खड़िया और नन। तो ये खड़िया बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, जूधी पंचायत इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे कौन, तो बीर तेलंगा खड़िया, ठीक है। 60 नंबर क्या है, 60 नंबर हूँ शॉट शूटेड, किसने गोली मारी थी बीर तेलंगा खड़िया को? तो इसको गोली मारने वाले इंसान थे जो वो थे बोधन सिंह, बोधन सिंह ने इसे गोली मार दी थी खड़िया को। 61 की बात करें तो 61 में क्या है कि बीर वही तेलंगा खड़िया कब, इनकी डेथ कब हुई थी, कब गोली मार दी गई थी? तो इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 22 अप्रैल 1880 को। 62 की बात करें तो वेन वॉज जतरा भगत बॉर्न, जतरा भगत, अब जतरा भगत की बात आती है तो जतरा भगत रिलेटेड है किससे, आगे देखते हैं, टाना आंदोलन से, है ना, टाना भगत आंदोलन से। जतरा आराव भी बोलते हैं कहीं पे, यहाँ पे जतरा भगत भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना। जतरा भगत का जन्म कब हुआ, है ना, तो जतरा भगत का जन्म हुआ October 1, 1888 को। कब हुआ जन्म, तो October 1, 1888 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद वेन डिड जतरा भगत स्टार्टेड द टाना भगत मूवमेंट, जतरा भगत ने ही टाना भगत को मूवमेंट को स्टार्ट किया, और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1914 को, अप्रैल 1914 को स्टार्ट किया गया था ये। 64 की बात करें तो हु इन्फ्लुएंस द टाना भगत मूवमेंट, टाना भगत मूवमेंट किसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ गया था, तो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आ गया था। टाना भगत के लोग, कुछ लोग, या एक ये भी है स्टोरी कि टाना भगत ने के लोगों ने, ये टाना भगत उसी को कहते थे, टाना जो भगत मूवमेंट में जो भी पार्टिसिपेट थे उनको बोलते थे टाना भगत, तो उन लोगों ने एक पोटली में कुछ पैसे बांध करके महात्मा गांधी को फॉर द रिवॉल्ट 1857 सॉरी जो उस समय मूवमेंट चल रही थी, है ना, उसके लिए उनसे
वो उनको वो भेंट दिए थे, और वो बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड रहते थे। 65 की बात करें तो इन विच जेल वॉज जतरा भगत प्लेस्ड आफ्टर हिज अरेस्ट, अरेस्ट होने के बाद कौन से जेल में इनको रखा गया था? तो रांची के जेल में रखा गया था जतरा भगत को। व्हेन वाज जयपाल सिंह बॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये जनवरी 3, 1903 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो तारका विलेज में हुआ था, टकरा विलेज में, जो कि अभी खूंटी में स्थित है। तब भी खूंटी में ही था डेफिनेटली, पर खूंटी एट दैट टाइम वॉज अ सब डिविज़न, नाउ इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 67 की बात करें तो टू विच ट्राइब डिड जयपाल सिंह बिलोंग, जयपाल सिंह किस ट्राइब से? जयपाल सिंह को सिर्फ जयपाल सिंह ना याद रखें आप, जयपाल सिंह मुंडा याद रखें, तो मुंडा ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। हु वॉज द कल्चरल गुरु ऑफ जयपाल सिंह, जयपाल सिंह के कल्चरल गुरु कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सुकरा पहान थे, याद रखिए, सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें 69, तो 69 में है कि विच ईयर द कमांड ऑफ द हॉकी टीम ओलंपिक्स गिवन टू जयपाल सिंह। देखिए जयपाल सिंह को कैप्टन कौन से ईयर में बनाया गया था हॉकी टीम का, भारतीय हॉकी टीम का? तो इन्हें बनाया गया था 1928 में, और कमाल की बात यह है कि उसी साल इन्होंने वर्ल्ड कप, सॉरी उसी टाइम इन्होंने नेशनल जो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। और उसी टाइम क्या जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल भी जीता था। 71 क्या है, विच पार्टी डिड जयपाल सिंह मुंडा ने कौन सी पार्टी का फॉर्मेशन किया था? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, इसी की फॉर्मेशन करी थी इसने, सॉरी जयपाल सिंह मुंडा में। 72 क्या है, व्हेन डिड जयपाल सिंह डाई, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जयपाल सिंह की मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी, दैट इज मई 23, 1970, 1970 को, 23 मई 1970 को। 73 की बात करें तो 73 नंबर क्वेश्चन है, वेन वेयर डिड द हरी बाबा मूवमेंट 1930-31 में, कहाँ पे हरी बाबा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में हरी बाबा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1910 में। हु फॉर्म्ड ढाका स्टूडेंट यूनियन, ढाका स्टूडेंट यूनियन किसने बनाया था 1910 में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जे बार्थेलमन। ये इनको स्टार्टिंग भी बोला जाता है, जब झारखंड को अलग करने की डिमांड जब से शुरू हुई तब उनका जनक भी बोला जाता है जे बार्थोलमैन को, ठीक है। तो ये सवाल भी आप याद रख लें, साथ में पूछा जा सकता है। 75 नंबर क्या है कि इन विच कॉलेज वॉज ढाका स्टूडेंट यूनियन फॉर्म्ड, कौन से कॉलेज में ढाका यूनियन स्टूडेंट्स फॉर्म किया गया था? तो सेंट कोलंबस में फॉर्म किया गया था, कहाँ पे? सेंट कोलंबस में। वेयर डेड जयपाल सिंह मुंडा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ, मतलब कब, सॉरी वेर ने, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो ये बने थे 1939 में, कब बने थे? 1939 में बने थे। रिबेल्स ऑफ झारखंड के बारे में अगर पढ़े तो दीवा सोरेन बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो दीवा सोरेन का जन्म हुआ था 1820 में। ये रटने वाले सवाल हैं तो इसको रट ही लें आप लोग फटाफट, तो तीन बार देख लें वीडियो को, रटा जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे डेफिनेटली, रटा जाएगा एग्जैक्टली मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट डेफिनेटली कर पाएंगे, रटा भी जाएगा यार। 78 क्या है, किशुन सोरेन बॉर्न कहाँ पर हुए थे? तो किशुन सोरेन का जन्म हुआ था वेस्ट सिंहभूम में, कहाँ हुआ था? वेस्ट सिंहभूम में। 79 क्या है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन दीवा एंड किशुन, किशुन और देवा के बीच में रिलेशनशिप क्या था? तो अंकल और नेफ्यू थे ये, चचा भतीजा का रिलेशन था ये। 80 नंबर क्या है, व्हेन डिड द रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ दीवा किशुन स्टार्टेड, दीवा किशुन के अंडर में कौन, कब रिबेलियन स्टार्ट हुआ था, कब रिबेल स्टार्ट हुआ था? तो ये हो जाता है 1872 में, कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में। इन विच पर्सन प्रिजन दीवा किशुन हैंग्ड, दीवा और किशुन को कौन से जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो सरायकेला के जेल में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अब देखिए रानी सर्वेश्वरी, आपको याद होगा रानी सर्वेश्वरी को बोला था कौन से जेल में इनको रखा गया था, तो इन्हें रखा गया था भागलपुर के जेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये लेडी होकर के रानी थी और महेशपुर, क्वीन ऑफ महेशपुर है ये, सबसे पहले आंसर तो ये बता दूँ आपको, महेशपुर थी।
इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस समय आंदोलन स्टार्ट किया था लेडी होकर के, और इनका साथ बाकायदा पहाड़िया ट्राइब, संथाल ट्राइब, इन लोगों ने खुल कर दिया था। 83 सवाल है इसी से रिलेटेड। रानी सर्वेश्वरी अपोजेस ब्रिटिशर्स कॉन्ट्रैक्टर, ब्रिटिश के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको अपोज किया, तो किस लिए अपोज किया ये पूछा जा रहा है। फॉर डिफॉरेस्टेशन, टू गिव शेल्टर टू रिबेल सोल्जर्स, ए एंड बी, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए तो अपोज कर ही नहीं सकते। अगर रिबेल सोल्जर को शेल्टर दे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो ये तो नहीं कर सकते ना, वो लोग नहीं किए होंगे ना डेफिनेटली, अगर ऐसा करते तो कोई रिवोल्ट क्यों करता। तो ये आंसर गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। पहला आंसर सही हो जाता है क्या, फॉर डिफॉरेस्टेशन पर्पस के लिए इन्होंने किया था। 84 की बात करें तो व्हेन डिड रानी सरस्वती सर्वेश्वरी डाइड, अच्छा रानी सर्वेश्वरी का की मृत्यु कब हुई थी, तो इसमें इनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पे देखिए कहाँ, May 6, 1807 को, मई 6 को हुआ था, है ना, मई 6 को, सर्वेश्वरी मतलब मई 6 को। 85 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू उलिहातू विलेज, अच्छा उलिहातू विलेज इनमें से किससे रिलेटेड है, तो देखिए उलिहातू में जन्म हुआ था बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा का, ठीक है। अब इसीलिए बिरसा मुंडा आंदोलन को कभी कभी बोला जाता है उलगुलान आंदोलन, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें याद रख लेना है यहाँ से आपको। 86 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज रिलेटेड टू द विलेज, सॉरी विलेज अटकेडी से कौन सा रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड है गया मुंडा, कौन है रिलेटेड, गया मुंडा। 87 क्या बोलता है, 87 कहता है सिद्धू कानू वेयर रिलेटेड टू विच ऑफ द विलेज, सिद्धू कानू कौन से विलेज से रिलेटेड थे, तो अभी आपने मैंने बताया आपको कि क्या बोगनाडी से रिलेटेड थे ये, ठीक है। गेतल से रामगढ़ में, सॉरी रांची में है, गेतल सू से आपको बता दूं कि गेतल सूद डैम है रांची में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि अभी अभी झारखंड सरकार ने अनाउंस किया है कि 100 मेगावाट का फ्लोटिंग जो पावर प्लांट होगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये इसमें लगाया जाएगा गेतल सूद डैम में। मतलब क्या कि पानी में तैरता हुआ वो सोलर पावर प्लांट होगा, कितना का, तो 100 मेगावाट का। 88 नंबर क्या है, नीलांबर पीताम्बर वेर रिलेटेड टू विच ऑफ द विलेज, नीलांबर पीताम्बर इनमें से कौन से विलेज से रिलेटेड हैं, तो मगदारी विलेज से ये लोग रिलेटेड है, किससे, मगदारी विलेज से। 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चिंगारी नवतोली विलेज, चिंगारी नवतोली विलेज से इनमें से कौन रिलेटेड हैं, तो इनमें से जत्रा भगत चिंगारी नवतोली से रिलेट करते हैं। जत्रा भगत टाना भगत आंदोलन शुरू किए, टाना भगत आंदोलन गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस था, 1914 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये जो 90 नंबर है, वीर बुद्धा भगत, जो बुद्धा भगत है वो कहाँ से रिलेटेड, कौन से विलेज से रिलेटेड हैं, तो बुद्धा भगत जो रिलेटेड हैं वो सिलगई से हैं, वो कहाँ है, रांची में, सिलगई विलेज से रिलेटेड है। महामैराथन के इस दौर को, इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं अब यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। यहाँ से डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम, नहीं तो 30 क्वेश्चन को, 30 × 60 नंबर मिनिमम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो होंगे लगभग और लगभग मॉडर्न झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, आप इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करके बताएं हमें कि इससे कितना बेनिफिट आपको हो रहा है डेफिनेटली। चलिए बिना देर के वह स्टार्ट करते हैं अब इस सफ़र को आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो कितने पॉपुलेशन अक्वायर करते हैं झारखंड में, झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी, 26% है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये 2011 के हिसाब से सेंसस से। आगे देखते हैं क्या दो नंबर है यहाँ से कि हाउ मेनी प्रिमेटिव ट्राइब्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन झारखंड, झारखंड में प्रिमेटिव मतलब होता है पुराने ट्राइब्स, है ना, या फिर आदिम जनजाति जिसको कह सकते हैं आप लोग हिंदी में, पुराने ट्राइब्स कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं झारखंड में, तो इसका आंसर हो जाता है 9 पुराने ट्राइब्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा आपका काम है कि आप गूगल करें और 9 के नाम कमेंट में लिख करके देखें।
आपको भी याद होगा, डेफिनेटली बहुत लोगों को फायदा होगा। तीसरा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमिटिव ट्राइब। इनमें से प्रिमिटिव ट्राइब कौन नहीं है, प्राचीन या आदिम जनजाति कौन नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, चिकबेरिक। आगे देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर है, फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिमिटिव ट्राइब। इसमें से प्रिमिटिव ट्राइब कौन सा है, तो इसमें से प्रिमिटिव ट्राइब पहाड़िया है। आपको याद होगा पहाड़िया कहाँ पे रहते हैं, तो पहाड़िया जनजाति मिलते हैं हम लोग संथाल परगना में। संथाल रिवॉल्ट में पहाड़िया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के, ऑल ट्राइबल रिवॉल्ट्स की एक वीडियो बनी है 1 घंटा की, उसमें सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स की पॉइंट्स में समझाए गए हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पांच नंबर है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द झारखंड्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। 11 के सेंसस के हिसाब से झारखंड का पूरे भारत में ट्राइब्स के पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से स्थान पर है ये, तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ स्थान पर है, फोर्थ स्थान पर, ठीक है। बाई वाट नेम फार्मिंग इज़ द फार्मिंग ऑफ ट्राइबल ग्रुप झारखंड इज नोन एज। अच्छा, झारखंड के जो फार्मिंग है ना, ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल ग्रुप की फार्मिंग होती है उसको किस नाम से जानता है झारखंड में, तो ये एक होता है इसमें कुरवा नाम से, ठीक है। सात नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हैज़ अ मास्टर्ड द क्राफ्ट। क्राफ्ट में मास्टर्ड कौन से ट्राइबल ग्रुप को इसमें से मिली हुई है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा महाली ट्राइब को, महाली ट्राइब को, ठीक है। क्राफ्ट में ये बहुत ही कुशल माने जाते हैं। आठ नंबर क्या है, आठ नंबर है विच ट्राइब वेव्स क्लोथ, है ना, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, आठ का चिकबेरिक, इसका भी चिकबेरिक हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्या है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इन झारखंड, झारखंड में लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो ये कौन सा है, संथाल। संथाल ट्राइब सबसे ज़्यादा है झारखंड में, पूरे संथाल परगना में बहुत ज़्यादा संथाल्स पाए जाते हैं। संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप समझ सकते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट को अगर मिला लिया जाए तो कितने नंबर ऑफ संथाल्स होंगे, पॉपुलेशन होंगे। 10 नंबर की देखते हैं, उचिकी, ओल चिकी। अच्छा, ओल चिकी इज़ कंसीडर्ड एज स्क्रिप्ट ऑफ विच ट्राइब। ओल चिकी कौन से ट्राइब की स्क्रिप्ट मानी जाती है, तो मैंने आपको अगर ये देखिए, यहाँ से बहुत ही एक अच्छा जो क्लू आपको देने जा रहा हूँ कि आप JPSC JSSC का इस चैनल में प्लेलिस्ट जो बना है वहाँ पर जाके देखिए, और वहाँ पे एक वीडियो बना हुआ है झारखंड का ये लिटरेचर एंड राइटर्स के बारे में, वहाँ पे ओल चिकी के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाता है ओल चिकी ट्राइब, ओल चिकी जो स्क्रिप्ट यूज़ किया गया वो संथाल ट्राइब्स के लिए यूज़ किया, संथाली लैंग्वेज के लिए यूज़ किया गया था। 11 नंबर क्या है, तो 11 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट, ओके, हाइएस्ट गॉड ऑफ संथाल ट्राइब का जो सबसे हाइएस्ट गॉड जिसको बोला गया, मतलब परम गॉड जिसको बोल सकते हैं, वो किसे माना जाता है, तो उसको यहाँ पे उसको माना जाता है मारंग बुरु को, किसे माना जाता है, मारंग बुरु, हाइएस्ट गॉड। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर है कि द मोस्ट प्रिवेलेंट मैरिज इन संथाल ट्राइब इज, प्रिवेलेंट संथाल ट्राइब में जो मैरिज की परंपरा है वो कौन सी है, तो वो है हमारा यहाँ पर किरिंग बापला। बापला ये सवाल पूछा भी जा चुका है और अभी भी स्टिल इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्या है, 13 नंबर कहता है कि इट इज़ कॉल्ड पून इन द संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब में पून किस चीज़ को कहा जाता है, तो पून कहा जाता है संथाल ट्राइब में ब्राइड प्राइस को कहा जाता है पून, आप कह सकते हैं इसको दहेज को संथाल ट्राइब में कहा जाता है कि पून, ठीक है। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में है बाई वाट नेम इज़ द विलेज हेड नोन इन संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइबल में जो विलेज के हेड होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि है इसमें मांझी बोला जाता है। क्या बोला जाता है विलेज हेड को संथाल ट्राइब में, मांझी बोला जाता है। 15 नंबर क्या है, व्हाट वाज गोडाइट वर्क इन द संथाल सोसाइटी। संथाल सोसाइटी में जो गोदईत होता है, देखिए यहाँ पे सोसाइटी में जो पुराने सिस्टम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें पोस्ट दिया जाता था बहुत लोगों को, तो गोदईत का संथाल सोसाइटी में क्या काम होता है, तो गोदईत का संथाल सोसाइटी में काम होता है क्या,
प्रेस्टीहुड, ये प्रेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज मैरिजेज होते हैं, मैसेंजर होते हैं या क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है कि मैसेंजर होते हैं। ये वो डाइट क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं। कि जैसे कि संथाल पर संथाल्स के हेड मांझी होते हैं, अब मांझी कोई डिसीजन या कुछ चीज़ इनको शेयर करनी है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो किसके थ्रू पहुंचाएंगे? पूरे गांव में या पूरे विलेज में या लोगों तक, घर घर में? तो उसके लिए मैसेंजर यूज़ होता था, जिसका नाम होता था गोडाइट। ठीक है, 16 नंबर क्या है? वट इज़ विटालाहा इन द संथाली सोसाइटी? विटालाहा क्या होता है संथाली सोसाइटी में? तो संथाली सोसाइटी में विटालाहा का मतलब होता है सोशल बॉयकॉट। मतलब किसी किसी के घर में, मान लीजिए कोई घर है, उसमें किसी कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया गया या कोई ऐसा अब हरकत किया गया जिससे कि सोसाइटी की बदनामी होती है, तो वहाँ पर विटलाहा जारी कर दिया जाएगा सोसाइटी के तरफ से, उनके प्रमुख के तरफ से या उनके हेड के तरफ से, और वहाँ से सोशल बॉयकॉट हो जाएगा उन फैमिलियों का। तो उसको विटलाहा कहते हैं, विटलाहा कहते हैं संथाल सोसाइटी में। 17 नंबर क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज़ द प्रैक्टिस ऑफ पसरी सिस्टम? पसरी सिस्टम इनमें से कौन से ट्राइब में प्रैक्टिस की जाती है? तो पसरी सिस्टम इसमें से प्रैक्टिस की जाती है किसमें? ओराव ट्राइब में। ओराव ट्राइब में पसरी सिस्टम को प्रैक्टिस की जाती है। बाय व्हाट नेम इज़ द युवा ग्रह इन द ओराव सोसाइटी नोन एज? देखो ये देखिए, युवा ग्रह को ओराव सोसाइटी में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें धूमकुड़िया के नाम से जाता है, धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। किसको? युवा ग्रह सोसाइटी, उरांव सोसाइटी को। किसमें? उरांव सोसाइटी में। 19 नंबर क्या बोलता है? 19 नंबर कहता है धूमकुड़िया जो है, ऑफ गर्ल्स नोन एज, व्हाट इज़ द धूमकुड़िया ऑफ द गर्ल्स नोन एज? ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या, 19 का बी, दैट इज़ पेल एरपा, पेल एरपा, पेल एरपा। ठीक है, अब सिमबोंगा 20 नंबर क्या है? सिमबोंगा इज कंसिडर्ड द सिम्बॉल ऑफ विच डाइटी इन द ओराव सोसाइटी? सिमबोंगा ओराव सोसाइटी में कौन से कुल देवता या देवता के बारे में इसको बोला जाता है, माना जाता है, कि किन के बारे में कहा जाता है? तो इसमें सिर सूर्य सूर्य देवता के बारे में बोला जाता है इसको, सिमबोंगा को, का मतलब यहाँ पर होता है इनमें। सरना इज ओराव सोसाइटी इन सरना इन ओराव सोसाइटी इज सरना ओराव सोसाइटी में क्या होता है? तो सरना ओराव सोसाइटी में क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप जो होता है ओराव सोसाइटी को, ओराव सोसाइटी में, और उसको कहते हैं, ओराव समाज में जो प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की जगह होती है, उसको कहते हैं सरना। क्या कहते हैं उसको? सरना। 22 नंबर क्या है? इन द ओराव सोसाइटी बाय व्हाट नेम इज़ द मीटिंग ऑफ सोल्स नोन एज? सोल्स जो होते हैं, जो आत्माओं का मिलन होता है, उसमें ओराव सोसाइटी में उसको किस नाम से कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है उसमें? तो उसको नाम दिया जाता है कोहाबेंजा। क्या नाम दिया जाता है? कोहाबेंजा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कोहाबेंजा। क्या नाम दिया जाता है? कोहाबेंजा। तेईस नंबर क्या है? हाउ मेनी विलेजेस आर ज्वाइंट टुगेदर टू सेट पढ़ा पंचायत? देखिए, पढ़ा पंचायत जो होता है ओराव सोसाइटी में, वो कितने विलेजेस को मिला करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है 23 का बी। क्या हो जाता है आंसर इसका? 12 जो विलेजेज होते हैं उनको मिला करके पढ़ा पंचायत बनता है। अब देखिए आगे, इन विच 24 नंबर क्या है कि इन विच ग्रुप इज़ द मुंडा ट्राइब प्लेस्ड? देखिए, मुंडा ट्राइब इनमें से कौन से ग्रुप में प्लेस्ड किया जाता है? तो 24 का डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो जनजातियाँ हैं, मैक्सिमम ट्राइब्स हैं जो झारखंड के, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस को फॉलो करते हैं, उन्हीं के रेस से बिलोंग करते हैं। नाउ 25 इज़ व्हाट? 25 नंबर क्या है? बाय व्हाट नेम डज मुंडा सोसाइटी कॉल इट्स लैंग्वेज? लैंग्वेज अपने मतलब मुंडा सोसाइटी की जो लैंग्वेज होती है उसका क्या नाम है? तो उसको कहते हैं हम लोग होडो जागर। क्या कहते हैं? होडो जागर। होडो जागर मुंडा सोसाइटी के लैंग्वेज को बोला जाता है। 26 नंबर क्या है? इन व्हाट फॉर्म डज द मुंडा सोसाइटी वर्शिप द माउंटेन गॉड? जो माउंटेन पहाड़ों के देवता होते हैं उनको किस फॉर्म में पूजते हैं मुंडा सोसाइटी, मुंडा ट्राइब जो होते हैं पहाड़ों को पूजते हैं, तो वो किस फॉर्म में, क्या नाम दिया गया है उसमें? तो उसका नाम दिया गया है बुरुबोंगा। बुरुबोंगा मतलब पहाड़ों के देवता, उसके नाम से माउंटेन्स गॉड को ये लोग पूजते हैं। 27 नंबर क्या है कि दिसौली
दिसौली इन द मुंडा सोसाइटी इज, मुंडा सोसाइटी में दिसौली का क्या मतलब होता है? तो दिसौली का मतलब होता है विलेज देवी, जो गांव की देवी होती है, गांव की रक्षा करने के लिए एक देवी को पूजा जाता है, जिसको इन लोग कहते हैं, मुंडा सोसाइटी में कहा जाता है उसको दिसौली, जो विलेज की देवी होती है, विलेज की देवी। 28 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुंडा ट्राइब, मुंडा ट्राइब की फेस्टिवल इनमें से कौन सी है? तो इनमें से मुंडा ट्राइब की जो फेस्टिवल है वो है अनोबा, अनोनबा। क्या है? अनोनबा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अनोनबा। 29 नंबर क्या बोलता है कि विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इन, अब देखिए कौन सा इनमें से कौन सा फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है? तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है इनमें से बाको, किसको नाम से जाना जाता है? बाको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा सोसाइटी, मुंडा सोसाइटी के जो रिलीजियस हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है पाहन। 31 क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मानकी इन द मुंडा सोसाइटी, अब मानकी का मुंडा सोसाइटी में क्या काम होता है? तो मानकी का मुंडा सोसाइटी में काम होता है सेटल डिस्प्यूट्स, आइदर वो क्राइम चोरी के हो गए या छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गए या शादी विवाह को लेकर के मामले हो गए, इन सब की चीज़ को सल्टाने का जो काम होता है वो मानकी का होता है। वो मानकी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ विलेज के जो हेड होते हैं उन्हें मानकी कहा जाता है। मुंडा क्या होता है? विलेज का हेड होता है इन लोगों में, ठीक है। अब 31 नंबर के बाद हम लोग आगे देखते हैं, 32 नंबर क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब इन द झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के टर्म में चौथी सबसे बड़ी ट्राइब झारखंड में कौन सी है? तो सबसे बड़ी चौथी ट्राइब है वो जो हो है, सबसे बड़ी कौन सी हो गई संथाल, और चौथी सबसे बड़ी कौन सी हो। 33 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज फॉर हो ट्राइब, हो ट्राइब के लिए ये इसमें से कौन सी स्क्रिप्ट को यूज किया गया? तो इसमें से जो बरंचीती है ना, बरंचीती जो स्क्रिप्ट है उसे यूज किया गया, किसके लिए? हो ट्राइब्स के लिए, बरंचीती बरंचीती बरंचीती, आप याद करिए ऐसे इसको, है ना। 34 नंबर क्या है, इली इज अ पॉपुलर डैश ऑफ द हो ट्राइब, क्या है इली हो ट्राइब का, क्या है इली से क्या समझते हैं आप? हो ट्राइब का ये कुछ ना कुछ तो है इली, तो इसका है मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि बेवरेजेस, बेवरेजेस है इली, मतलब क्या होता है बेवरेजेस ऑफ हो ट्राइब। 35 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैरिज प्रिवेलेंट इन द हो सोसाइटी, हो सोसाइटी में जो मैरिज है वो कौन से फॉर्म को अडॉप्ट करती है, मतलब उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है यहाँ पर ओपरात्रीपी, ओपरातीपी, क्या नाम है? ओपरातीपी, जो हो सोसाइटी में मैरिज होती है उसको कहते हैं ओपरातीपी, ओपरातीपी या कुछ भी, ओपरातीपी या कुछ भी याद रखो यार, बस ऐसे इसको, है ना। 36 नंबर जो है, व्हाट इज़ द ब्राइड प्राइस इन हो संथाल सोसाइटी इज नोन एज, हो संथाल सोसाइटी में जो ब्राइड का प्राइस होता है, आप समझ सकते हैं दहेज की तरह एक इसको हम समझ सकते हैं, उसमें क्या होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है गोनोंग, क्या नाम से जाना जाता है? गोनोंग। 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ हो ट्राइब, हो ट्राइब की इनमें से कौन सी फेस्टिवल है? तो इनमें से कोलोब जो फेस्टिवल है वो हो ट्राइब मनाते हैं, कोलोब फेस्टिवल। हो ट्राइब वर्शिप्ड ओटी बोंदन बोडम एज अ सिंबल ऑफ विच डाइटी, हो ट्राइब है जो ये इस नाम का फेस्टिवल मनाते हैं, ओटी बोडम, वो किस देवता को डिपिक्ट करता है, मतलब किस देवता के बारे में वो बताता है? ओटी बोडम का जो त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो वो बताता है गॉड अर्थ के बारे में, धरती माता या फिर गॉड अर्थ के बारे में बताता है ये ओटी बोडोम का मतलब होता है। 39 नंबर क्या है, तो 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ खड़िया ट्राइब, खड़िया ट्राइब का इनमें से क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है? तो ये है हेम्ब्रॉम खड़िया, बाकी ये पहाड़ी खड़िया, दुध खड़िया, ढेलकी खड़िया, ये सब खड़िया के ही क्लासिफिकेशन है, बट ये जो है आपका हेम्ब्रॉम खड़िया ये खड़िया की क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। 40 नंबर क्या है, तो 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ट्राइब ऑफ द झारखंड हैज कोड ऑफ लाइफ, लूट लाओ और कूट खाओ, लूट लाओ और कूट खाओ, ये कौन सी ट्राइब का स्लोगन है? आप समझ लीजिए कोड ऑफ लाइफ है,
लाइफ का एक मंत्र है, लूट लाओ और कूट खाओ, ये है। तो इसका है खड़िया ट्राइब का, खड़िया ट्राइब का एक स्लोगन है ये, लाइफ की इनकी स्लोगन, ये कोड कहा जा सकता है, लूट लाओ कूट खाओ। 41 नंबर क्या है, क्या मस्त स्लोगन है भाई, 41 नंबर है। 41 नंबर में कहता है, ओलो लेडी ओल ओल डे इज वन प्रिवेलेंट एंड फेमस इन खड़िया सोसाइटी। मतलब खड़िया सोसाइटी में ये किस नाम से फेमस है, सॉरी ये ओलो ओलो इडली, क्या नाम है यार, ओलो लेडी ओलोल डे, सॉरी हाँ ये अभी सही है, ओलोल डे कौन से चीज़ के लिए फेमस है इन खड़िया ट्राइब। तो खड़िया ट्राइब में ओलोल डे का मतलब होता है मैरिज, शादी बुआ को लोग कहते हैं ओलोल डे, देलोल डे, लेलोल डे, ओलोल डे, कुछ भी यार भाई। 42 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ खड़िया कम्युनिटी, खड़िया कम्युनिटी के इनमें से कौन सी फेस्टिवल है। तो 42 का आंसर हो जाता है, आप बताइए, तो इसका आंसर हो जाता है बनगरी। बनगरी क्या है, खड़िया ट्राइब की फेस्टिवल। विच 43 क्या है, ऑन विच ओकेजन, सॉरी ऑन विच ओकेजन इज द फेस्टिवल ऑफ बा बीड पर्व, क्या बा बीड पर्व सेलिब्रेटेड बाय खड़िया ट्राइब। खड़िया ट्राइब के द्वारा बा बीड पर्व कौन से ओकेशन में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है ऑन प्लांटिंग, है ना, कब मनाया जाता है, प्लांटिंग के खुशी में, प्लांटिंग करने की खुशी में, है ना, मतलब जब पौधे को पौधा रोपण होता है तब। 44 क्या है, बाय व्हाट नेम इज़ द असिस्टेंट ऑफ विलेज हेड ऑफ खड़िया ट्राइब, जो विलेज हेड होते हैं खड़िया ट्राइब के उनके असिस्टेंट का क्या नाम होता है, इसका पूछने का ये मतलब है, तो इसका होता है नेगी, ठीक है। बाय व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गंदा गांडा गुंडा गोंडा कुछ भी गांडा इन द खड़िया सोसाइटी, गांडा जो होता है पोस्ट, उसका खड़िया सोसाइटी में क्या वर्क होता है, तो उसका वर्क होता है मैसेंजर का। खड़िया सोसाइटी में जो गांडा का मतलब होता है वो होता है क्या, मैसेंजर। अब यहाँ पे 46 बोलता है, विच ट्राइब इज द झारखंड, इन झारखंड इज कॉल्ड द ट्राइब ऑफ हिंदू वर्जन, ट्राइब ऑफ हिंदू, इनमें से कौन से ट्राइब को कहा जाता है, तो कहा जाता है भूमिज को, भूमिज ट्राइब को ट्राइब्स ऑफ हिंदू के वर्जन से नाम से जाना जाता है। 47 कहता है कि विच ट्राइब इज नोन बाय द नेम ऑफ सरदार, सरदार इन द धनबाद, धनबाद रीजन में सरदार कौन से ट्राइब को कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं अगेन भूमिज को, और यही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि हिंदू ओरिजन के ट्राइब्स ऑफ हिंदू, हिंदू के ट्राइब्स। 48 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज मैंसन्ड इन द ऋग वेद उपनिषद आदि टेक्स्ट इज फाउंड, इनमें से कौन सा ट्राइब पाया जाता है, तो असुर, असुर का, असुर को वैसे भी सबसे पुराना ट्राइब बोला जाता है झारखंड में है ना, तो इसमें वेद उपनिषद ऋग वेद आदि टेक्स्ट इन सब में इनका, असुरों का नाम लिखा गया है यहाँ पर, असुरों के बारे में वर्णन है। हाउ मैनी सब ट्राइब्स ऑफ द असुर ट्राइब आर फाउंड इन झारखंड, असुर ट्राइब का सब ट्राइब्स कितने सारे हैं झारखंड में, झारखंड में कितने सारे पाए जाते हैं, तो ये तीन हैं, है ना, तीन सब ट्राइब होते हैं असुर के जो झारखंड में पाए जाते हैं। 50 नंबर क्या है, द मॉर्निंग मील ऑफ असुर ट्राइब इज नोन एज, असुर ट्राइब के जो मॉर्निंग नाश्ता होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग लोलो घाटो जोमकू, लोलो घाटो जोमकू, लोलो घाटो जोमकू, याद तो नहीं रहने वाला है बट फिर भी ट्राई तो करना है। व्हाट इज कंसीडर्ड एज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ असुर ट्राइब, असुर ट्राइब का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है वो किसे बोला गया है, तो जो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो आयरन स्मेल्टिंग का है, मतलब आयरन को गला करके आयरन के औजार बनाने का इनका काम था, बहुत ही बहादुर असुर ट्राइब बोला जाता है। पारस इन द असुर कम्युनिटी इज अ प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ, देखिए असुर कम्युनिटी में पारस क्या है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो पारस को बोला जाता है गोत्र, है ना, असुर ट्राइब के गोत्र को पारस बोला जाता है, जो गोत्र होता है ना उसको,
उसके बाद क्या है, 53 क्या है कि इन विच कम्युनिटी चम्बंडी राइट या फिर सारकामेंट एग्जिस्ट, सक्रामेंट। वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, असुर, चम्बंडी या फिर चम्बंडी राइट या सक्रामेंट एग्जिस्ट, है ना। 54 क्या है, द पोज प्रीस्ट इन द असुर ट्राइब इज कॉल्ड, प्रीस्ट जो होते हैं असुर ट्राइब में उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है बैगा। क्या कहा जाता है, प्रीस्ट या पुजारी को क्या बोला जाता है इनके असुर ट्राइब में, बैगा बोला जाता है। 55 ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है शायद कहीं ना कहीं, तो पूछा गया है ये। 55 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज रेफर्ड एज धूमक ग्रुप, धूमक ग्रुप, धूमक ग्रुप इनमें से कौन से ट्राइब को रेफर किया गया है, तो इनमें से बंजारा ट्राइब को रेफर किया गया है धूमक ग्रुप के तरह। 56 क्या है, व्हाट डू द बंजारा कम्युनिटी कॉल देयर लैंग्वेज, उनके अपने लैंग्वेज को बंजारा कम्युनिटी क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ये लंबड़ी, क्या बोलते हैं, लंबड़ी। 57 क्या बोलता है, 57 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बंजारा ग्रुप, बंजारा ग्रुप इनमें से कौन सा नहीं है। 57 का आंसर हो जाता है कि इनमें सभी के सभी क्या हैं, बंजारा ग्रुप हैं, डी। तो इसमें क्या हो जाता है, नन ऑफ दिस। 58 इज व्हाट, 58 कहता है इन द बंजारा कम्युनिटी द नेम ऑफ ब्राइड प्राइस इज, है ना, ब्राइड प्राइस के जो नेम होते हैं यहाँ पे भी बंजारा कम्युनिटी में जो दहेज को है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हरजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हरजी। 59 क्या है, By what name is the widow marriage known as the Banjara Society? Banjara Society में जो widow marriage होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, है ना, विधवाओं का विवाह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है नियोगा, क्या बोला जाता है, नियोगा। 60 नंबर क्या है, By which tribe Alauddin was considered as a brave man? मतलब कौन से ट्राइब के द्वारा अलाउद्दीन जो थे उनको ब्रेव मैन का उपाधि दिया गया है, तो उनको दिया गया है बंजारा ट्राइब के द्वारा, ठीक है। 61 क्या है, 61 कहता है विच ट्राइब ऑफ झारखंड कनेक्ट्स इटसेल्फ विद द क्षत्रियज, इनमें से कौन सा ट्राइब है जो अपने आप को क्षत्रिय से कनेक्ट करता है झारखंड को, या फिर अपने आप को या फिर झारखंड को, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, बतूडी, है ना, सॉरी ये कहाँ घसक रहे हो भाई, हाँ बथूडी ट्राइब जो है वो अपने आप को कनेक्ट करता है क्या, जो क्षत्रिय से। 62 क्या हो गया कि कहांगू इज अ प्रिवेलेंट ऑफ द बथूडी ट्राइब, बथूडी ट्राइब, बथूडी ट्राइब का जो कहांगू है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो गोत्र है या मतलब क्या है उसमें, गोत्र है, बीवरेज है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फेस्टिवल है, तो इसका आंसर क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा, कहांगू, ठीक है। 63 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ बथूडी ट्राइब, बथूडी ट्राइब का फेस्टिवल का, बथूडी ट्राइब का फेस्टिवल इनमें से कौन सा है, तो इनमें से फेस्टिवल बथूडी ट्राइब का है क्या, सरहुल, सरहुल को बोलते हैं बथूडी ट्राइब का फेस्टिवल। 64 नंबर देखें अगर हम लोग, तो 64 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज द क्लास सिस्टम इज फॉन्ड, क्लास सिस्टम कौन से ट्राइब में पाया जाता है, तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बथूडी ट्राइब, नहीं बिल्कुल नहीं, बेदिया, बेदिया में डिफरेंट डिफरेंट क्लास सिस्टम पाया जाता है ना, तो बेदिया ट्राइब में डिफरेंट डिफरेंट क्लास पाया जाता है। 65 की बात करें अगर, तो बेदिया ट्राइब इज बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद विच ग्रुप, बेदिया ट्राइब कौन से ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे अगेन प्रोटो एस्ट्रोलाइट, मतलब जितने मैक्सिमम ट्राइब जितने भी हैं झारखंड में सबको प्रोटो एस्ट्रोलाइट रेस से पाया जाए, रेस को फॉलो करने वाले हैं या फिर उसी रेस से आए हुए हैं सब। 66 की बात करें अगर हम लोग, तो 66 में क्या है, 66 में है By what name the traditional clothing of the men in the Bedia tribe is known as? जो traditional clothing है बेदिया में, बेदिया tribe में, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाता है खरिया, खरिया नाम से जाना जाता है, खरिया इनको बोला जाता है, इनके पोशाक को, इनके पहनावे ओढ़ाओ, इनके जो मेन है ना, आदमी है, पुरुष के, पुरुष के पोशाक को क्या बोला जाता है, तो खरिया। 67 क्या है, इन द बेदिया कम्युनिटी इंटर ट्राइबल मैरिज, सॉरी बेदिया कम्युनिटी में इंटर ट्राइबल मैरिजेस आर फॉरबिडन, है ना, एंड आर नोन एज, मतलब बेदिया में जो है, बेदिया कम्युनिटी में इंटर ट्राइबल मैरिजेस को
एक तरीके से कह सकते हैं कि मान्यता दी गई है ना, तो उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो उनको बोला जाता है क्या, तुर्कु थाइनी। वेरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। बेडिया कम्युनिटी में जो है ना इंटर मैरिज, उसको फॉरबिडन, मतलब कहने का मतलब है, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया मान्यता, यहाँ पे मतलब मना किया गया है, ये नहीं हो सकता है ये, तो इसको बोला जाता है बेडिया जो फॉर इंटर ट्राइबल मैरिज है, उसको इस टर्म से बोला जाता है क्या, तुर्कु थैनी के नाम से जाना जाता है। तुर्कु थैनी इज़ नॉट अलाउड देयर। सो 68 क्या है, 68 है करताहा इज़ अ प्रोमिनेंट इन विच इन बिजिया कम्युनिटी, है ना। करताहा क्या है, किस चीज़ से जाना जाता है, करताहा बिजिया कम्युनिटी का क्या है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है गोत्र। करताहा क्या है, गोत्र है बिजिया कम्युनिटी का, ठीक है। 69 की अगर बात करें तो 69 में कि ब्राइड प्राइस इन बिजिया ट्राइब में जो इस यहाँ पे अगेन वो जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दहेज है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें यहाँ बोला जाता है डाली कटही। 70 नंबर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ड्रिंकिंग हड़िया इज प्रोहिबिटेड, हड़िया को पीना कौन से ट्राइब में मना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या, भिंजिया ट्राइब में। अगेन भिंजिया ट्राइब में हड़िया पीना मना कर दिया गया है, हड़िया को यहाँ पर नहीं पीना चाहिए, ये बोला जाता है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है यहाँ पर। 71 क्या बोलता है कि हु परफॉर्म्ड द रिलीजियस वर्क ऑफ भिंजिया ट्राइब, भिंजिया ट्राइब में जो पूजा पाठ वाला वर्क होता है, इनमें से कौन कौन करता है, उसका जो करता है उसका पोस्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या, बैगा। अगेन बैगा क्या है, रिलीजियस वर्क होता है, या प्रेस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, है ना। 72 की बात करें तो व्हाट इज़ द मॉर्निंग मील ऑफ भिंजिया ट्राइब, भिरजिया जो ट्राइब है, भिंजिया या विरजिया जो भी है, भिंजिया है ना, उस ट्राइब का जो नाश्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग कलवा, है ना, मॉर्निंग मील को क्या कहते हैं, कलवा। 73 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल मैरिज इज प्रिवेलेंट, मल्टीपल मैरिज किस में प्रिवेलेंट है? तो वो है 73 का हो जाता है, सॉरी अगेन है ना, इसका भिंजिया ट्राइब में है जो प्रिवेलेंट है। 74 का क्या है, व्हाट इज़ द टाउनशिप ऑफ द बिरहोर ट्राइब नोन एज, बिरहोर ट्राइब का टाउनशिप जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है टांडा के नाम से, है ना, टांडा के नाम से। 74 क्या है, द पीपल ऑफ बिरहोर ट्राइब लिव इन द स्मॉल हट विच आर ऑल्सो कॉल्ड, जो बिरहोर पीपल होते हैं वो छोटे छोटे झोपड़ी बना करके रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है कुरहा नाम से जाना जाता है उसको। 76 क्या है, इन वॉट फॉर्म ऑफ बेरा आर बेरा गोडा एंड बड़ी पॉपुलर इन द बिरहोर ट्राइब, देखिए ये सब जो है किस चीज़ के लिए फेमस है बिरहोर ट्राइब में, तो बिरहोर ट्राइब में ये सब चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ लैंड, बेरा लैंड, गोडा लैंड एंड बड़ी, ये सब लैंड के प्रकार हैं जो कि फेमस हैं बिरहोर ट्राइब में, ठीक है। 77 का क्या है कि बिरहोर ट्राइब में जो होती है जो फैमिली डाइटी होती है वो कौन है जिसको पूछते हैं लोग, मतलब जो देवता होते हैं जो फैमिली देवता होते हैं वो कौन होते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो यहाँ पर होता है इसका नाम हेपारोम, क्या नाम होता है, हेपारोम। 78 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डांस इन द बिरहोर ट्राइब में कौन सा फॉर्म डांस का नहीं है, इनमें से कौन सा डांस नहीं है? तो इसमें से झरपट क्या है, बिरहोर का डांस का फॉर्म नहीं है, बाकी डोंग, मुक्तार, लगरी ये सब क्या है, बिरहोर का डांस फॉर्म है, तो कौन सा नहीं है, तो झरपट। 79 बोलेंगे तो, और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज बिलीव टू हैव एसोसिएशन विद द कोलरिन ग्रुप, है ना,
कोलेरिन ग्रुप से किस ट्राइब का एसोसिएशन है, तो इसमें से बाइगा ट्राइब का एसोसिएशन हो जाता है कोलेरिन ग्रुप से। एटी की बात करें तो विच एनिमल इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द पीपल ऑफ बाइगा ट्राइब, बाइगा ट्राइब जो होता है इसमें से कौन से एनिमल को सेक्रेड, प्योर या बहुत ही पवित्र माना जाता है इनके द्वारा, तो इनके द्वारा टाइगर को, जो बाघ होता है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है बाइगा ट्राइब के द्वारा। अब 81 की बात करें अगर हम लोग, तो 81 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज प्रिवेलेंट इन बाइगा ट्राइब, जो मैरिज है ना, शादी की प्रथा है वो बाइगा ट्राइब में उसको क्या नाम से जाना जाता है, अब उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग लामसेना। क्या कहते हैं? लामसेना। बाइगा ट्राइब में जो शादी विवाह होता है उसको लामसेना बोलते हैं ना। 82 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट रिलेटेड टू बाइगा कम्युनिटी, बाइगा कम्युनिटी में कौन सा डांस नहीं है, तो इसमें है हमारा बाइगा कम्युनिटी में कौन सा डांस नहीं है, तो आई थिंक इसका क्या हो जाएगा, लगरी, जो कि है, जो कि बिरहोर में था, बिरहोर में था ना, तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। 83 का क्या है कि द मेन डाइटीज ऑफ बाइगा ट्राइब्स आर, बाइगा ट्राइब्स के जो मेन डाइटी थे वो कौन थे, तो बड़ा और देव, बड़ा और देव इनके मेन देवता थे, चेराता बीरत, चेराता बिदारी एंड हरली आर प्रिवेलेंट इन बाइगा ट्राइब, बाइगा ट्राइब में ये सब प्रिवेलेंट है। कौन सा? तो 84 का फेस्टिवल है, ये सब फेस्टिवल है ना, इन सब नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है किसमें, बाइगा ट्राइब में। 85 की बात करें अगर, तो 85 है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैरिज प्रिवेलेंट इन द चेरो ट्राइब, चेरो ट्राइब में कौन सा मैरिज होता है, कौन सा, उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो इसका ढोला नाम से जाना जाता है, दोला, दोला है ना, दोला नाम से जाना जाता है चेरो ट्राइब में, जो दोला, इसको दोला नाम से जाना जाता है, दोला ले जाएंगे ऐसा करके, कुछ भी याद रखिए आप। 86 क्या है, विच ट्राइब ऑफ झारखंड इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स, अच्छा हैंडमेड क्लोथ्स, इनमें से कौन से ट्राइब को बोला जाता है कि फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स हैं ये, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, चिकबैरिक, चिकबैरिक को बोला जाता है कि ये फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स हैं, ठीक है। अब देखिए 87 क्या है, बाय हुम द मैरिजेस आर कंडक्टेड इन चिकबैरिक ट्राइब, चिकबैरिक ट्राइब के बारे में अगर देखें हम लोग, तो इसमें से जो इनके, इनकी शादी विवाह होती है उसको कौन करवाते हैं, तो इनको करवाने वाले होते हैं ठाकुर, ठाकुर करवाते हैं इनमें शादी विवाह चिकबैरिक में। बाय व्हाट नेम री मैरिज इज़ नोन इन चिकबैरिज, चिकबैरिज में जो री मैरिज होता है, पुनर्विवाह होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सगाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ 89 क्या बोलता है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन द इंडिया, संथाल के बाद, संथाल तो सबसे बड़ा है, तो ये संथाल तो नहीं होना है इसमें, संथाल सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कौन सा है, तो ये है क्या, गोंड, गोंड है सबसे सेकेंड लार्जेस्ट। फोर्थ नंबर था क्या, हो, थर्ड नंबर भी बीच में कहीं आ जाएगा, ठीक है। 90 नंबर क्या बोलता है कि वॉट इज़ द कल्टिवेटेड फार्मिंग नोन इन द गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब में जो कल्टिवेटेड फार्मिंग है, फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है गोंड ट्राइब में, तो उसे बोला जाता है दीपा के नाम से। 91 की बात करें तो 91 क्या है, पारसपान, पारसपान इज डैश ऑफ द गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब का जो पारसपान है, सॉरी, पारसपान को किस चीज़ के लिए फेमस है, ये क्या चीज़ है, ये क्लेन डाइटी है, विलेज डाइटी है, माउंटेन गॉड है, या फिर ये नन ऑफ दिस है, तो ये क्लेन डाइटी है, मतलब इसके डायनेस्टी के देवता होते हैं, इनके जो गांव बोल सकते हैं या समूह बोल सकते हैं उनके देवता होते हैं। 92 क्या बोलेंगे, द असिस्टेंट ऑफ द प्रीस्ट बाइगा ऑफ द गोंड ट्राइब, जो गोंड ट्राइब के प्रीस्ट होते हैं उसको बाइगा बोलते हैं सबसे पहले, तो अब बाइगा के जो असिस्टेंट होते हैं उनका नाम क्या होता है, उस पोस्ट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पाहन, क्या बोलते हैं उसको, पाहन। 93 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स पीपल आर क्राफ्ट्समैन, देखिए इनमें से कौन से ट्राइबल पीपल होते हैं जो क्राफ्ट्समैन है ना, जो क्राफ्ट करते हैं, तो 93 का क्या आंसर हो जाता है, करमाली है ना, कौन सा, करमाली ट्राइब्स। 94 क्या है, विच इज बिलीव टू बी प्रोफिशिएंट इन मेकिंग वेपन्स, तो
कौन सा ट्राइब है जो वेपन बनाने के लिए बहुत ही प्रोफिशिएंट, बहुत ही मतलब आप एफिशिएंट बोल सकते हैं, बहुत ही आगे रहते हैं या बहुत बढ़ चढ़ के हाथ निभाते हैं, साथ यहाँ अपना ये करते हैं, बनाते हैं, तो उसे वो कौन से हो गए हैं? तो कर्माली हो गए, ठीक है, सबसे ज़्यादा अपना योगदान देते हैं वेपन्स बनाने में। 95 क्या है? विच रिवर इज़ कंसिडर्ड होली बाई कर्माली ट्राइब? कर्माली ट्राइब के द्वारा कौन से रिवर को होली यानी पूरा पवित्र माना जाता है? तो उसे माना जाता है दामोदर रिवर को। किसे? दामोदर रिवर को। 96 क्या है? डैश इज कॉल्ड द होली साइट ऑफ द कर्माली ट्राइब। देखिए, कर्माली ट्राइब के द्वारा का सबसे होली रिवर कौन कौन हो गया? तो दामोदर। कौन सा और साइट के बारे में बात करें तो कौन हो गया उनका होली साइट? तो वो देवगिरी, देवगिरी को बोला जाता है होली साइट, देवगिरी इनके लिए होली साइट है, होली जगह है, पवित्र जगह है। 97 का बात करें अगर, तो हथुआ इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश इन द कर्माली ट्राइब। हथुआ कर्माली ट्राइब में क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो हथुआ रिप्रेजेंट करता है ब्राइड प्राइस को। यहाँ पे दहेज को रिप्रेजेंट करता है किसमें? कर्माली ट्राइब में क्या, और वो कौन? हथुआ, हथुआ का मतलब होता है। 98 की बात करें अगर, तो व्हेन वाज द कन्वर कम्युनिटी, कंवर कम्युनिटी इंक्लूडेड द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? शेड्यूल्ड ट्राइब में कंवर कम्युनिटी को कब इंक्लूड किया गया? तो 98 का आंसर क्या हो जाता है? बी, 2003 में। उसके बाद कुटमाइटी सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन विच ट्राइब? कुटमाइटी सिस्टम जो होता है वो इनमें से कौन से ट्राइब प्रैक्टिस करती है इनमें से? तो इसका आंसर क्या है? डी, कनवार ट्राइब। ठीक है, 100 क्या है? 100 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राइड प्राइस इन द कुंवर ट्राइब में ब्राइड प्राइस को क्या बोलते हैं, दहेज को क्या बोलते हैं? तो इसमें बोलते हैं दहेज को क्या? हथुआ। तो 101 नंबर का क्या सवाल है कि विच ट्राइब ऑफ झारखंड, देखिए झारखंड के कौन से ट्राइब को कहा जाता है फाइटर ट्राइब? तो फाइटर ट्राइब कहा जाता है झारखंड के खरवार ट्राइब को। कौन से ट्राइब को कहा जाता है फाइटर ट्राइब? तो खरवार ट्राइब को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 102 नंबर क्या है? बाय व्हाट नेम आर द खरवार ट्राइब ऑफ पलामू एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट नोन? देखिए पलामू और जो लातेहार में, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, एक क्वेश्चन करने के बाद कई सारे क्वेश्चंस इसमें से याद रख सकते हैं। पलामू और लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन से ट्राइब पाए जाते हैं? तो खरवार एक ऑप्शन यहाँ से हो गया क्वेश्चन से ही। अब कहता है कि इन दोनों ट्राइब में क्या नाम से इन दोनों को बुलाया जाता है, वहाँ पर क्या नाम से जाना जाता है? तो 18,000 नाम से वहाँ पर इन ट्राइब्स को जाना जाता है। नाउ 103 नंबर क्या है? 103 नंबर है कि द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ खरवार ट्राइब हैज़ बिन, खरवार ट्राइब का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो क्या रहा है? तो मेकिंग कत्था, क्या रहा है इनका? मेकिंग कत्था, कत्था बनाने का इनका कारोबार रहा है। 104 नंबर क्या है? 104 नंबर कहता है द लैंग्वेज ऑफ खरवार ट्राइब इज कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड टू विच विथ विच फैमिली? इनका जो लैंग्वेज है वो इनमें से कौन सी फैमिली से रिलेट करता है, मतलब इनसे इनमें से कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? तो ये एस्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक फैमिली से इनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ द खरवार ट्राइब, वो रिलेटेड है एस्ट्रिक से। 105 नंबर क्या है? द नेम ऑफ द डायलेक्ट ऑफ कोंद ट्राइब इज, जो कोंद ट्राइब है उनकी भाषा, देखिए लैंग्वेज एक होता है, एक डायलेक्ट होता है, लैंग्वेज को जिसको लिखी भी जा सके और पढ़ी भी जा सके, है ना। और डायलेक्ट का बेसिक मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बोल चाल की भाषा में जो यूज हो। तो 105 नंबर कह रहा है कि कोंद ट्राइब है उनकी डायलेक्ट क्या है? तो उनकी डायलेक्ट है क्या? कोंगी। क्या है डायलेक्ट? कोंगी। अब 106 नंबर क्या बोलता है? 106 नंबर है कि इन विच ट्राइब वॉज मारिया नरबली, नरबली सिस्टम पॉपुलर? मरिया नरबली किस ट्राइब में पॉपुलर है? तो ये है हमारा आंसर, इसका हो जाता है कोंड ट्राइब में, कोंड जनजाति है उसमें मारिया नरबली सिस्टम क्या है, बहुत ही फेमस है। 107 नंबर क्या है? द रेसिडेंस ऑफ देसिया कोंद, जो देसिया कोंद थे उनके रेसिडेंस कहाँ हैं, उनका रेसिडेंस कहाँ पे माना जाता है? तो उनका रेसिडेंस माना जाता है लैंड ऑफ लो लैंड,
क्या माना जाता है, लैंड ऑफ लो लैंड। ठीक है, 108 नंबर क्या है, 108 नंबर में कहता है बाय व्हाट नेम इज ट्रांसफरेबल फार्मर इन कोंड ट्राइब इज नोन एज। कोंड ट्राइब जो होता है उसमें ट्रांसफरेबल फार्मिंग होती है ना। अब ट्रांसफरेबल फार्मिंग जो होती है कोंड ट्राइब में, उसको मतलब सिंपली समझिए कोंड ट्राइब के फार्मिंग को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, तो क्या नाम से जाना जाता है इनको, तो इनका नाम से जाना जाता है पोडाचा। क्या, पोडाचा। 109 नंबर क्या है, विच ट्राइब ऑफ झारखंड कॉल्स इट सेल्फ नागेशिया। नागेशिया अपने आप को कौन से इनमें से ट्राइब कहते हैं झारखंड वाले, तो इनमें से जो किसान हैं वो किसान ट्राइब ये बोलते हैं अपने आप को, किसान ट्राइब कि ये नागेशिया हैं। ठीक है, 110 नंबर क्या है, 110 नंबर है इन विच ट्राइब इज द चंदौला, सॉरी चंदौआ मैरिज, जो चंदौआ मैरिज है कौन से ट्राइब में ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से ट्राइब में चंदौआ मैरिज ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर कौन से ट्राइब में ये प्रैक्टिस किया जाता है, तो यहाँ पे अगेन हो जाता है किसान ट्राइब, किशन ट्राइब जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पर ये फेमस है। 111 नंबर क्या है, इन द पीजेंट ट्राइब, देखिए जो पीजेंट ट्राइब है, When the girl is brought home and is get married to, what is that this practice called as? देखिए peasant tribe में है, जब किसी मतलब peasant tribe की जो marriage practice है उसमें उसको क्या बोला जाता है, तो उसको कहा जाता है गुरुनबन। क्या बोला जाता है, गुरुनबन, है ना। 112 नंबर क्या है, बास्को is famous इन द कोल ट्राइब। बास्को किस चीज़ के लिए फेमस है कोल ट्राइब में, तो बास्को फेमस है कोल ट्राइब में फॉर द पर्पस ऑफ, या फिर इसको ना पनिशमेंट के लिए जाना जाता है ना फोक डांस के लिए, इसको जाना जाता है किस लिए, गोत्र के लिए। ठीक है, इसको क्या जाना जाता है, गोत्र के लिए। 113 नंबर क्या है कि द नेम ऑफ ब्राइड प्राइस। अब कोल ट्राइब की बात आई है, तो कोल ट्राइब में जो दहेज प्रथा है, दहेज को क्या बोला जाता है, तो कोल ट्राइब में दहेज को पोटे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटे, पोटे या पॉटी, कुछ भी याद कर लो यार। 114 नंबर में क्या है कि विच ट्राइब ऑफ झारखंड इज कॉल्ड डांगर। डांगर ट्राइब, डांगर किसको, कौन से ट्राइब को बोला जाता है झारखंड में, तो इसे इन लोगों को कहा जाता है कोरा, कोरा ट्राइब को कहा जाता है डांगर। आपको पता है कि 32 ट्राइब है टोटल झारखंड में, तो आप नए नए ट्राइब्स के नाम अगर सुन रहे हो तो बहुत भौचक्का ना हो, बस कोशिश करें कि उनको रिलेट करके याद रखने का, जैसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि सवाल बस ऐसे ही पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। 115 नंबर क्या है, ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन ऑफ कोरा ट्राइब हैज़ बिन। अब कोरा ट्राइब की बात आई, तो कोरा ट्राइब की जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो क्या है, तो वो सॉइल कटिंग, मतलब मिट्टी काटने का जो काम होता है वो कोरा ट्राइब के लोग करते हैं। 116 क्या है, बाय व्हाट नेम डज द कोरा ट्राइब कॉल देयर गोत्र। कोरा ट्राइब में जो गोत्र होता है उनका, उसको किस नाम से बोला जाता है, मतलब उनका गोत्र क्या होता है, तो उनका गोत्र होता है गुस्ती। गुस्ती क्या होता है उनका गोत्र, गुस्ती, कोरा ट्राइब का गोत्र होता है गुस्ती। 117 नंबर क्या है, द पीपल ऑफ कोरबा ट्राइब inhabiting in the विलेज आर called, है ना। जो कोरा ट्राइब थे वो कौन से विलेज में रहते हैं या फिर रहे थे, उसके विलेज को नाम को क्या नाम दिया जाता है, तो उनके विलेज को नाम दिया जाता है क्या, तो उनके विलेज को नाम दिया जाता है ऑप्शन ए, दैट इज दिहरिया कोरबा। क्या दिहरिया कोरबा। अब 118 नंबर देखिए, बायोडा इज प्रोमिनेंट इन कोरबा ट्राइब। बायोडा कोरबा ट्राइब में किस चीज़ के लिए फेमस है या किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे कोरबा ट्राइब में बायोडा को फेमसली नोन एज फॉर ट्रांसफर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है कोरबा ट्राइब में उसको बोला जाता है क्या, तो उसको बोला जाता है बायोडा। 119 नंबर में पूछ रहा है कि लैंग्वेज जो है लोहरा ट्राइब की लैंग्वेज क्या है, कौन सा लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं सदनी या सदानी, या इसी को सादरी भी बोलते हैं ना, दोनों में से कुछ भी।
120 नंबर क्या है कि मगहिया इज प्रिवेलेंट इन द लोहरा ट्राइब फॉर द व्हाट पर्पस। एंड इसका मतलब है कि मगहिया लोहरा ट्राइब में किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, तो वो है ऑप्शन सी गोत्र। मगहिया किस चीज़ के लिए प्रिवेलेंट है, मतलब लोहरा ट्राइब की जो गोत्र होती है वो मगहिया होती है, मगहिया है ना, मगहिया। 121 नंबर क्या है, विच ट्राइब ऑफ झारखंड इज कंसिडर्ड प्रोफिशियंट इन द आर्ट ऑफ बम्बू। देखिए कौन से ट्राइब जो झारखंड में है वो बम्बू के आर्ट के लिए मतलब बांस में कलाकारी करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो ये हैं कौन, तो इनका आंसर हो जाता है डी, दैट इज महाली ट्राइब, है ना, क्या है महाली ट्राइब। 122 नंबर क्या कह रहा है कि द मेन वर्क ऑफ सुल्की महली इज कंसिडर्ड टू बी, सुल्की महली का जो मेन पर्पस बोला जाता है कि मेन ऑक्यूपेशन या मेन वर्क क्या है, तो वो हो जाता है इनका फार्मिंग एंड लेबरिंग, मतलब फार्म करना, खेती करना या फिर मजदूरी करना। 123 नंबर की बात करें अगर, तो 123 में कह रहा है कि विद्यापति ऑफ नागपुरी इनमें से किसे कहा जाता है, विद्यापति ऑफ नागपुरी इनमें से किसे कहा जाता है, तो विद्यापति ऑफ नागपुरी इनमें से कहा जाता है घासीराम को। किनको कहा जाता है, घासीराम को, क्योंकि घासीराम क्या है, एक राइटर है जो नागपुरी में अपना बहुत बड़ा योगदान दे करके रखे हैं, मतलब लिटरेचर और राइटर्स की जो वीडियो बनाई है उसमें इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। 124 नंबर क्या बोलता है कि 124 नंबर में बाई विच ट्राइब ऑफ सिली रीजन, देखिए उतुर पूजा जो है वो सिली रीजन के कौन से ट्राइब करते हैं, सिली रीजन में रहने वाले उतुर कौन से ट्राइब उतुर पूजा को परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन करते हैं, महली को। अब देखिए सिली रीजन, एक सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है कि सिली रीजन कौन से में कौन से ट्राइब की बहुलता है, या फिर महली कहाँ पे पाए जाते हैं रांची के, तो रांची के सॉरी महली सिली रीजन में पाए जाते हैं। 125 नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मालपहाड़िया ट्राइब, मालपहाड़िया ट्राइब का पार्ट जो लैंड होता है उनका, मालपहाड़िया के लैंड्स होते हैं उनके, ये इनमें से वो कौन सा नहीं है, या फिर उनका सब पार्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, पतर है ना, पतर। 126 नंबर क्या है, इन विच ट्राइब एग्जिस्ट द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग पिग एज अ ब्राइड प्राइस। देखिए इनमें से कौन से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कौन से ट्राइब में जो दहेज में है वो पिग देने की प्रथा है, सुअर देने की प्रथा है, मतलब दहेज में सुअर मिलेगा, वो कौन सा है, तो आंसर इसका हो जाता है मालपहाड़िया। मालपहाड़िया में लोग जो शादी विवाह करते हैं तो दहेज के रूप में ब्राइड प्राइस के रूप में क्या देते हैं, तो वो देते हैं वहाँ पर सुअर को, ठीक है। 127 नंबर में क्या है, वीरु गोसाई इज वर्शिप्ड एज विच गॉड बाय मालपहाड़िया ट्राइब। देखिए वीरु गोसाई का मतलब कौन सा भगवान होता है यहाँ पर मालपहाड़िया के लिए, तो मालपहाड़िया के लिए वीरु गोसाई का मतलब होता है मदर अर्थ, ये लोग धरती माता की पूजा करते हैं और उनको नाम देते हैं वीरु गोसाई। 128 नंबर क्या है, विच ट्राइब ऑफ झारखंड कॉल्स देमसेल्व्स मलार, मलार अपने आप को कौन से ट्राइब झारखंड में मानते हैं, तो झारखंड में मलार जिनको कहते हैं वो ट्राइब होते हैं सौरी पहाड़िया, जो पहाड़िया के ही पार्ट हैं एक तरीके से कह सकते हैं, सौरी पहाड़िया वो अपने आप को मलार कहते हैं। 129 नंबर क्या है, 129 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ सौरी पहाड़िया, सौर पहाड़िया का लैंग्वेज क्या है, तो सौर पहाड़िया का लैंग्वेज होता है माल्टो, है ना, क्या होता है माल्टो, ठीक है। बाय होम इन द सौर्य पहाड़िया ट्राइब इज द मैरिज मतलब क्या है कि सौर्य पहाड़िया की जो शादी होती है उसमें क्या परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें परफॉर्म किया जाता है आपका, 130 नंबर का आंसर हो जाता है सी, दैट इज वेद सिद्धू को परफॉर्म किया जाता है। 131 नंबर में क्या है, कोड़ बाह इज़ प्रोमिनेंट इन सौरी पहाड़िया कम्युनिटी,
कोड़बाह सौर्य पहाड़िया में किस चीज़ के लिए प्रोमिनेंट है, मतलब किस चीज़ के लिए ये जाना जाता है, क्या है ये सौर्य पहाड़िया में? तो इन्हें यूथ हाउस के लिए प्रोमिनेंट है ये। ठीक है, 132 नंबर देखते हैं। बिल्पा गोसाई, देखिए बिल्पा गोसाई जो सौर्य पहाड़िया में है वो किस देवता के लिए पूजा जाता है, किस देवता को माना जाता है बिल्पा पहाड़िया के नाम से? तो बिल्पा पहाड़िया बोला जाता है इनमें मून को, बिल्पा गोसाई मून गॉड को, चंद्रमा जो चांद है, चंद्रमा भगवान है, उनको बोला जाता है बिल्पा गोसाई और उनकी पूजा की जाती है। 133 नंबर बोलता है कि सौर पहाड़िया के द्वारा इनमें से कौन सा रिलीजियस फंक्शन है जो कंडक्ट कराया जाता है? तो 133 नंबर में पूछ रहा है कि सौर्य पहाड़िया के द्वारा कौन सा रिलीजियस जो है कंडक्ट कराया जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाता है, कांडो मांझी, कांडो मांझी करके एक फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन, उसको ये लोग परफॉर्म करते हैं, उसको ये लोग कंडक्ट कराते हैं सौर्य पहाड़िया। अब सैलियानी वर्शिप, देखिए सैलियानी वर्शिप इज़ डन इन विच ऑफ द मंथ बाई सौर्य पहाड़िया? सौर्य पहाड़िया के द्वारा सैलियानी वर्शिप कौन से मंथ में की जाती है? तो ये की जाती है आपका चैत के महीने में, सैलियानी वर्शिप। 135 नंबर क्या है, 135 नंबर है व्हाट डू पीपल ऑफ पहाड़िया ट्राइब कॉल देयर स्लम लाइक होम? अपने स्लम लाइक होम को पहाड़िया ट्राइब क्या बोलते हैं, मतलब पहाड़िया ट्राइब अपने घर को, या स्लम लाइक होम जो झोपड़ी जैसे उनके घर होते हैं, उनको खास करके क्या बोला जाता है? तो उनको झाला बोला जाता है। 136 में क्या है, इन विच ट्राइब ऑफ झारखंड काउंटिंग ऑफ फैमिली इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कुराला दैट इज स्टोव, है ना, को स्टोव के बेसिस में इनमें से कौन से ट्राइब में घर में जो पॉपुलेशन होती है, फैमिली की काउंटिंग होती है, तो वो होता है क्या पहाड़िया में, पहाड़िया में ट्राइब में ऐसा होता है। 137 नंबर क्या है कि इन पहाड़िया ट्राइब डाली इज़ अ फॉर्म ऑफ, डाली किस चीज़ के लिए है, पहाड़िया ट्राइब में डाली क्या होता है? तो डाली होता है यहाँ पे ब्राइड प्राइस पहाड़िया ट्राइब में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट 138 नंबर वो कहता है कि मुआ पूजा है ना, जिसको एंसेस्टर्स को अपने पूजते हैं, मतलब अपने पूर्वजों की पूजा होती है, उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस कौन से ट्राइब में है, मतलब मुआ पूजा कौन से ट्राइब में की जाती है, सिंपल सी अगर पूछा जाए तो अपने एंसेस्टर की पूजा, तो वो हो जाता है कि इसमें पहाड़िया ट्राइब में। ठीक है, हालांकि अपने इंसेस्टर की पूजा बहुत जगह की जाती है लेकिन उसको मुआ पूजा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, पहाड़िया में, पहाड़िया ट्राइब में। उसके बाद 139 में क्या है कि झारा बसु एंड जनता पार्टी, झारा बसु एंड जनता पार्टी आर क्या है, आर सबर ट्राइब, मतलब आर डैश, मतलब क्या है सबर ट्राइब की ये झारा बसु और जनता पार्टी किस चीज़ के लिए फेमस है सबर ट्राइब में? तो ये फेमस है सब कास्ट, मतलब सबर ट्राइब के सब कास्ट, मतलब इन ट्राइब के जो सब कास्ट होते हैं उनको झारा बसु जनता पार्टी ये सब कहा जाता है। ठीक है, 140 नंबर क्या है, तो 140 नंबर में कहता है कि गार्दी जनवाई है ना, गार्दी जनवाई इज़ प्रिवेलेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, किस चीज़ के लिए ट्राइबल सोसाइटी में घारदी जनवई इज़ फेमस है ना, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वो टाइप ऑफ एक मैरिज है, ये शादी का एक टाइप है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन में, ट्राइबल सोसाइटी में ये प्रिवेलेंट है। 141 नंबर क्या बोलता है, 141 में कह रहा है कि जो ग्रूम प्राइस है ना, विच ट्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रूम प्राइस एग्जिस्ट है ना, ग्रूम प्राइस किस कौन से ट्राइब में एग्जिस्ट करती है? तो ग्रूम प्राइस इसमें दहेज की प्रथा का ही एक पार्ट है ये, जिसमें ग्रूम प्राइस कहते हैं इसको, जैसे जनरली तो ब्राइड प्राइस होती है,
पर ट्राइब्स में, बट यहाँ पर इसको ग्रूम प्राइस कौन से ट्राइब में फेमस है? तो ये फेमस है कोरबा ट्राइब में। किस में? कोरबा ट्राइब में। ऑप्शन सी 140 142 नंबर कह रहा है, इन विच मैरिज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एम्बीवेलेंट लव। एम्बीवेलेंट लव क्या है कि कौन से मैरिज में ज़रूरी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाता है हथा मैरिज में। क्या? हथा मैरिज में। 143 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब द प्रैक्टिस ऑफ पलायन मैरिज एग्जिस्ट। देखिए इनमें से कौन से ट्राइब में पलायन मैरिज का प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब पलायन मैरिज एग्जिस्ट करता है? तो वो होता है किसमें? बिरहोर में। ठीक है, पलायन मैरिज बिरहोर में। 144 क्या है कि व्हाट इज़ द मैरिज कॉल्ड व्हेन बॉय गेट्स मैरिड टू अ गर्ल ऑफ अनदर फैमिली एंड द गर्ल ऑफ द सेकेंड फैमिली गेट्स मैरिड टू द बॉय ऑफ द फर्स्ट फैमिली। व्हाट इज, इसको ध्यान से समझिए, कहता है व्हाट इज द मैरिज कॉल्ड वेयर अ बॉय गेट्स मैरिड टू द गर्ल ऑफ अनदर फैमिली एंड द गर्ल ऑफ सेकेंड फैमिली गेट्स मैरिड टू द बॉय ऑफ द फर्स्ट फैमिली। इस मैरिज प्रथा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोलत मैरिज। क्या कहते हैं इसको? गोलत मैरिज। ठीक है, गोल गोल घूमने जाने वाला मैरिज, गोलत मैरिज। 145 क्या है, हु डज संथाल ट्राइब कंसिडर वर्ल्ड क्रिएटर। इनमें से कौन से ट्राइब हैं, सॉरी संथाल ट्राइब इनमें से किसको मानते हैं कि वर्ल्ड का, पूरे संसार का वो क्रिएटर हैं, कौन से भगवान को? तो वो ठाकुर जी को मानते हैं। किसको? ठाकुर जी को। 146 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फेस्टिवल इन संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब में सबसे फेमस फेस्टिवल क्या है? तो बाहा, सोहराय, सकरात, तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एवब, सारे के सारे फेमस है। 147 नंबर क्या है कि व्हाट इज उरांव ट्राइब नोन एज इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में उरांव ट्राइब को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरख नाम से। क्या? कोरख नाम से। 148 क्या कहता है, 148 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ऊपर कर देते हैं थोड़ा। पहला क्या है कि एक करके पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना, कि द विलेज हेड ऑफ उरांव ट्राइब इज नोन एज पाहन और महतो। तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पंचायत ऑफ उरांव ट्राइब इज कॉल्ड पचोरा, पंचोरा, ये भी सही है। द यूथ हाउस ऑफ उरांव ट्राइब इज कॉल्ड घुमकड़िया, ये भी सही है। द लैंग्वेज, ये सब तीनों सही है, तो लास्ट वाला ही आंसर होगा बिना पढ़े अगर हम लोग जानना चाहें। तो लैंग्वेज ऑफ उरांव ट्राइब इज़ कॉल्ड उर्वी, तो ये गलत है, उर्वी नहीं बोला जाता है। ठीक है, 149 क्या बोलता है, उरांव ट्राइब वर्शिप विच गॉड। उरांव ट्राइब है जो कौन से गॉड को वर्शिप करते हैं? तो ये पूजा करते हैं धर्मा की, धर्मा भगवान की। 150 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे भी फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्या है कि द मुंडा ट्राइब कॉल देमसेल्व्स हेरको, सही है। द यूथ ऑफ द मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड गटियोरा, ये भी सही है। सरना इज सीक्रेट साइट इन मुंडा, ये भी सही है। अब ये सब सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, द पंचायत साइट ऑफ मुंडा इज कॉल्ड पंचाना, है ना, इसको पंचाना बोलते हैं। जो मुंडा का पंचायत साइट होता है जहाँ पे पंचायत बैठती है उसको क्या बोलते हैं, पंचाना, ये गलत है, ये नहीं बोलते हैं। ठीक है, 151 क्या है कि द रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ विच ट्राइब ऑफ झारखंड इज कॉल्ड टाडा। टाडा इनमें से कौन से ट्राइब की रेसिडेंट होती है, है ना, तो ये होता है, इसका आंसर हो जाता है क्या, ए, दैट इज़ बिरहोर ट्राइब जो होते हैं उनके रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स को, मतलब रेसिडेंट के एरिया को जहाँ पे वो लोग रहते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, गांव समझ लीजिए, गांव को बोल सकते हैं टाडा बोलते हैं। तो 152 नंबर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेथड ऑफ मैरिज ऑफ द बिरहोर ट्राइब। बिरहोर ट्राइब में
जो मेन मेथड ऑफ मैरिज है वो क्या है, तो उनमें है उर्दा उदरा उदरी बापला, ये भी है। बापला देखिए संथाल का है एक, तो उदरा उदरी बापला किस में है, उदरा उदरी बापला है हमारा बिरहोर ट्राइब में, ठीक है। दूसरा बोला बापला, ये दोनों का दोनों है ना, तो बोथ ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, करेक्ट है। 153 नंबर क्या, हु डज द पीपल ऑफ बिरहोर ट्राइब कंसिडर एज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। अब बिरहोर ट्राइब में ये लोग कौन से भगवान को बोलते हैं कि ये क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड हैं, तो ये लोग मानते हैं कि बोरा बोंगा जो है भगवान, इनके हिसाब से वो वर्ल्ड के क्रिएटर हैं। 154 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिरहोर ट्राइब। बिरहोर ट्राइब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है, तो ए क्या, ऑप्शन ए क्या बोलता है कि दिस पीपल आर नोमैड टाइप। हाँ बिल्कुल सही है, बिरहोर ट्राइब इधर उधर एक तरीके से घूमते रहते हैं। दिस पीपल आर काउंटलेस गोत्राज आर ऑफ, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, बहुत सारे गोत्र होते हैं इसमें, है ना। दिस पीपल आर फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड, नहीं बिल्कुल नहीं, फार्मिंग नहीं करते हैं ये पीपल। चाइल्ड मैरिज इज प्रिवेलेंट इन दिस ट्राइब, ये भी सही है, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंट होता है, ठीक है। 155 क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द मेन रेजिडेंस ऑफ कोरबा ट्राइब एग्जिस्ट। कोरबा ट्राइब है जो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पलामू में। पलामू में चेरो भी पाए जाते हैं, ठीक है, और कोरबा भी पाए जाते हैं। 156 क्या है, 156 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब कास्ट ऑफ कोरबा ट्राइब। कोरबा ट्राइब का इनमें से कौन सा सब कास्ट नहीं है, तो इनमें से सब कास्ट नहीं है, ये सब में से कोई इनका सब कास्ट नहीं है। पहाड़िया कोरबा, डारिया कोरबा, पहाड़िया कोरबा, पहिया कोरबा, कोई भी नहीं है, ठीक है। 157 अगर देखें तो 157 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब कास्ट ऑफ असुर ट्राइब। असुर ट्राइब के सब कास्ट कौन हैं, ठीक है, तो वीर असुर, बिरजिया असुर, अगरिया असुर, सभी के सभी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ झारखंड हैज़ बिन गिवन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट आयरन स्मेल्टर बाई वर्ल्ड स्कॉलर्स। देखिए इनमें से कौन से ट्राइब को, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आपको फिल्टर करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कौन से ट्राइब को कहा गया कि ये लोग फर्स्ट थे जो कि आयरन को स्मेल्ट करके हथियार बनाए, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसा कहा है, तो ये बोला है असुर ट्राइब को। किसको बोला है, असुर ट्राइब को, ये सबसे पुरानी जनजाति भी है। 159 क्या है, मेजर फेस्टिवल के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेजर फेस्टिवल देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में इसमें से कौन सी फेस्टिवल को मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मुंडा फेस्टिवल को। मुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है कब, अक्षय तृतीया को। 160 नंबर क्या है, 160 नंबर में है कि इन रिलेशन टू विच फेस्टिवल इट इज़ बिलीव दैट सेलिब्रेटिंग इट इंश्योर्स दैट द क्रॉप्स आर नॉट डिजीज स्टिकन, मतलब डिजीज स्टिकन नहीं है क्रॉप्स, इनको सेलिब्रेट किस फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, है ना, कौन से फेस्टिवल में सेलिब्रेशन होती है तब, जब डिजीज फ्री होता है क्रॉप्स इनका, और वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है, ये इस फेस्टिवल को बोलते हैं कड़लेता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है, कड़लेता फेस्टिवल, कड़लेता फेस्टिवल, ठीक है। 161 क्या है, 161 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डिस्प्लेस द अफेक्शन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। भाई बहन का जो प्यार होता है वो इनमें से कौन से फेस्टिवल में दिखता है, तो कर्मा पूजा में दिखता है। डेफिनेटली कर्मा पूजा में भाई बहन का प्यार दिखता है, बहन होती है जो भाई के लिए पूजा करती हैं। 162 क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल इज़ द प्रसाद पखवा। पखवा किन कौन से फेस्टिवल का जो है वो मुख्य प्रसाद है, है ना, कौन से फेस्टिवल का मुख्य प्रसाद है, तो ये है सोहराई का,
सोहराई का जो मुख्य प्रसाद है वो पखवा होता है, और वो 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन से मिला करके बनता है। 163 नंबर क्या है, इन विच मंथ सोहराई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट कब किया जाता है सोहराई फेस्टिवल, तो ये कार्तिक के महीने में किया जाता है सोहराई फेस्टिवल। 164 देखते हैं हम लोग क्या है, 164 में बोलता है आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स जानी शिकारी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, जानी शिकारी कितने साल के इंटरवल में मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है 12 साल के इंटरवल में, ठीक है। 165 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज राइज बहरलक, बहरलक राइज बहरलक, इनमें से कौन से फेस्टिवल के को कहा जाता है, तो ये आंसर हो जाता है इसका क्या, बहुरा को, बहुरा को, है ना। 166 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप ओनली मेन पार्टिसिपेट, इनमें से कौन सा पूजा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपका सुरजही पूजा, है ना। सुरजही पूजा में सिर्फ और सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 167 को देखें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप सेलिब्रेटेड एज देवभूत पूजा, देवभूत पूजा कौन, इनमें से देवभूत पूजा किस फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, देसौली के नाम से, है ना। 168 क्या है, पोटोसारना फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, कौन से ट्राइब से रिलेटेड है पोटोसारना फेस्टिवल, तो ये खड़िया ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। 169 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप इज डन टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड द ह्यूमंस, एनिमल और ह्यूमन को बचाने के लिए इनमें से कौन सी पूजा की जाती है ट्राइब्स के द्वारा, तो इनमें से जो पूजा की जाती है वो है जाडकोर पूजा, कौन सी पूजा, जड़कोर पूजा। 170 नंबर क्या है, कि विच ट्राइब सेलिब्रेट संडेरा फेस्टिवल, संडेरा फेस्टिवल इनमें से कौन से ट्राइब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपके ओराव ट्राइब, कौन मनाते हैं ओराव ट्राइब। देखिए 171 नंबर क्या कहता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड झंडा फेस्टिवल, मतलब झंडा फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है, तो झंडा फेस्टिवल को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं माघी पूजा, माघी पूजा बोलते हैं झंडा फेस्टिवल को, ठीक है। 172 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ब्रोकन यूटेंसिल्स ओल्ड वेसल्स ब्रूम्स एंड ब्रोकन प्लाव फ्रॉम एवरी हाउस आर थ्रोन अवे आउटसाइड द विलेज बॉर्डर, तो इसका मतलब समझिए क्या, हिंदी में क्या समझाना है, जो पुराने बर्तन होते हैं, पुराने टूटे फूटे सामान होते हैं, जो पुराना टूटा हुआ हल है ना, ये सब घर के बाहर फेंका जाता है, और घर के बाहर ही नहीं किसी गांव में जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है उस गांव का जो बाउंड्री होता है उसके बाहर फेंका जाता है, तो ये कौन सा पर्व ऐसा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ये बोरा बालोइंजी फेस्टिवल, बोरा बालोइंजी फेस्टिवल में ऐसा किया जाता है। 173 क्या है, 173 है इन द ट्राइबल सोसाइटी अंटिल बा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ब्रिंगिंग डैश फ्लावर इन द हाउस इज प्रोहिबिटेड, कहता है कि कौन से ऐसे ट्राइबल, सॉरी जो ट्राइबल सोसाइटी में है वो बा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन फ्लावर जो कौन सा फ्लावर होता है वो फेस्टिवल मनाने से पहले तक लाना प्रोहिबिटेड होता है घर में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है साल, यही साल है, इसी का साल का फ्लावर का हम लोग मनाते हैं इस वाले फेस्टिवल को, हमारे ट्राइब्स मनाते हैं यहाँ पर। 174 क्या है, इन विच मंथ डू द साउथ इंडियन पीपल लिविंग इन रांची सेलिब्रेट अयप्पा पूजा, जो अयप्पा पूजा है वो किस मंथ में यहाँ पे साउथ इंडियन पीपल जो रहते हैं रांची में वो मनाते हैं, कौन से मंथ में अयप्पा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दिसंबर में। 175 क्या है, फेयर्स इन द ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ झारखंड आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको, तो इनको कहा जाता है जतरा, ठीक है। होली पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स प्लेस
बाबा धाम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, बाबा धाम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कहाँ पर है, तो ये देवघर में है, ये सभी को ऑब्वियसली पता होगा आई थिंक। 177 क्या बोलता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट हिजला फेयर, देखिए हिजला मेला जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका दुमका में, कहाँ मनाया जाता है, दुमका में हिजला मेला। 178 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द जर्नी ऑफ, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है आप याद रखिए, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। 178 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द जर्नी ऑफ बाबा धाम, जर्नी ऑफ बाबा धाम नॉट कंसिडर्ड कम्प्लीट अनटिल डैश गॉड इज सीन। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन बोलता है कि बाबा धाम का जर्नी, बाबा धाम की यात्रा तब तक संपन्न नहीं होती है, सफल नहीं होती है जब तक कि इनमें से कौन से भगवान का दर्शन हो जाए, तो ये बासुकी नाथ धाम का, मतलब कहते हैं कि बाबा धाम जाने के बाद लोग बासुकी नाथ धाम जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 179 क्या है, इन विच मंथ जगन्नाथपुर फेयर इज ऑर्गेनाइज, जगन्नाथपुर मेला कहाँ पर, कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो ये आषाढ़ के महीने में जगन्नाथपुर मेला मनाया जाता है, जगन्नाथपुर मेला लगता है। 180 क्या है, 10 डेज आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मदमा जत्रा ऑर्गेनाइज, है ना, मदमा जत्रा ऑर्गेनाइज्ड कौन से फेस्टिवल के 10 दिन के बाद होता है, तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, दशहरा, दशहरे के 10 दिन के बाद होता है, दशहरे फेस्टिवल का 10 दिन के बाद क्या होता है, मदमा जत्रा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 181 क्या कहता है, 181 कहता है वेयर डज द लंगाता बाबा, सॉरी लंगाता नहीं लंगटा बाबा, है ना, फेयर टेकन प्लेस, लंगटा बाबा मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा गिरिडीह में, कहाँ पर लगता है, गिरिडीह में। 182 क्या है, सिमडेगा राम रेखा फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द फुल मून डे ऑफ कौन सा मंथ, कहता है कि सिमडेगा राम रेखा जो है वो किस महीने के फुल मून, जो पूर्ण चांद पूर्णिमा होता है उस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है किस दिन, तो उसे मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। 183 क्या कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भूत पेयर ऑर्गेनाइज्ड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में भूत पेयर भूत मेला लगता है, तो ये लगता है हमारा पलामू में, कहाँ पे लगता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में भूत मेला लगता है। 184 कहेंगे, तो 184 क्या है कि ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति विच फेयर इज ऑर्गेनाइज इन जामताड़ा, जामताड़ा में मकर संक्रांति को कौन सा मेला लगता है, तो ये लगता है करमदाहा मेला, क्या लगता है, करमदाहा मेला। 185 क्या है, ऑन द कॉस्ट ऑफ विच रिवर इज द हथिया स्टोन फेयर ऑर्गेनाइज्ड, देखिए हाथिया जो स्टोन मेला है वो कौन से नदी के किनारे लगता है, तो ये दामोदर नदी के किनारे लगता है। 186 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागवंशी, नागवंशी का जो काल था उस समय कौन से मेला स्टार्ट किया गया, उस समय कौन सा मेला को स्टार्ट किया गया नागवंशियों के काल में, तो ये आंसर हो जाता है इंद्रजत्रा, ठीक है। 187, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स मेन फेयर इज नुम्बिल फेयर, नुम्बिल मेला कौन से ट्राइब्स के लिए फेमस है, कौन से ट्राइब मेनली मनाते हैं, तो पहाड़िया ट्राइब, पहाड़िया ट्राइब यानी संथाल परगना के एरिया के लोग। 188, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज ऑर्गेनाइज इन गोड्डा डिस्ट्रिक्ट ऑन 14th अप्रैल एवरी ईयर, 14 अप्रैल हर साल गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला लगता है, तो ये लगता है क्या, बिसुआ मेला, क्या लगता है, बिसुआ मेला। 189 क्या है, हिजला फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, अब देखिए हिजला मेला कहाँ लगता है वो बता दिया, दुमका में, तो दुमका में लगता है, अब दुमका में यही सवाल नेक्स्ट आ गया कि कौन से नदी के किनारे लगता है, तो दुमका में जो नदी बहेगी ऑब्वियसली उसी के किनारे, तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, मयूराक्षी या फिर मोर नदी इसी को कहते हैं। 190 क्या है, वेयर डज हिजला मेला टेक प्लेस, अब हिजला मेला कहाँ लगता है, दोबारा से सवाल आ गया ये, तो ये कहाँ लगता है, दुमका में लगता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अब देखते हैं हम लोग गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड के बारे में, हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर अलॉटेड इन द झारखंड, झारखंड में कितने राज्यसभा के सीट हैं, यहाँ से
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर 6 राज्यसभा की सीट अलॉटेड हैं झारखंड के लिए। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर लोकसभा इन द झारखंड। देखिए, लोकसभा के जितने सीट है, ये राज्यसभा की बात हुई, 6 लोकसभा के जितने भी सीट हैं उसमें से कितने सीट रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये सीट रिजर्व है कितने, 6 सीट, नहीं 5, सॉरी 6 नहीं है, 5 है, 5 सीट है रिजर्व किसके लिए, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब आपका काम क्या है कि कमेंट सेक्शन में फटाफट पांचों का नाम लिख दें, है ना। 193 क्या है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 193 क्या है, डैश इज द ओनली लोकसभा सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब ऑफ झारखंड। कहता है कि शेड्यूल ट्राइब, हाँ यही सवाल आ गया ना, इनमें से कौन सा जो ज़िला है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ की लोकसभा का सीट जो है वो रिजर्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलामू के लिए, पलामू का जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, है ना, एसटी के लिए। 194 क्या है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डैश द क्वालिफिकेशन आर सेट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। अच्छा, कितने कौन से आर्टिकल में जो गवर्नर बनने का, राज्य के जो गवर्नर बनते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताई गई है। तो आर्टिकल ये कौन सी हो जाती है, आर्टिकल 157 में दिया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर के बारे में। 195 क्या है, टू होम डज गवर्नर रिजाइन, गवर्नर किसको रिजाइन करते हैं। तो गवर्नर ऑब्वियसली रिजाइन करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, जो इन्हें बनाता है, जो इन्हें नियुक्त करता है। 196 क्या है, 196 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, गवर्नर जैसे सेंटर में होती है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरह से संसद, सॉरी विधानसभा में ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 164 में दिया गया है। क्वालिफिकेशन किस में है, 157 में, 164 में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर बता बना दिया गया है। 197 क्या कहता है, हाउ मेनी मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर जैसे MLA होता है, है ना, MLA, और एक होता है MLC, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी सी एस ने। तो कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो जितने भी गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का सीट होगा उसका 1/4 नहीं, सॉरी 1/4 नहीं, 1/6 वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ राइट टू कॉल असेंबली सेशन और प्रोगटिट डिमिस, मतलब ये क्या बोलते हैं कि इनमें से कौन है, सॉरी, जो कि क्या कर सकते हैं, असेंबली सेशन बुला सकते हैं। तो असेंबली सेशन बुलाने का जो अधिकार है वो ऑब्वियसली गवर्नर को होता है, किसे, गवर्नर को। जैसे कि अगर स्टेट की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो जैसे पार्लियामेंट में असेंबली सेशन बुलाने का अधिकार किसको होता है, तो वहाँ के राष्ट्रपति को होता है हमारे, तो यहाँ पे स्टेट में गवर्नर को होता है। राष्ट्रपति इज़ इक्विवेलेंट टू, गवर्नर इज़ इक्विवेलेंट टू राष्ट्रपति इन द स्टेट, गवर्नर इज़ द सुप्रीम पावर एंड द सेंटर, सुप्रीम पावर इज प्रेसिडेंट। 199 का क्या है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर इशूज ऑर्डिनेंस, गवर्नर ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कौन से आर्टिकल के हिसाब से इशू कर सकते हैं। तो 213 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 213 आर्टिकल नंबर 213 दिया हुआ है, जिसमें ऑर्डिनेंस गवर्नर ला सकते हैं। 200 क्या है, 200 कहता है कि टू होम डज ऑडिटर जनरल सबमिट हिज रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल जो होता है वो किसको सबमिट करते हैं रिपोर्ट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर को। 201 क्या है, अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर रिकमेंड्स फॉर बजट प्रेजेंटेशन, फॉर प्रेसिडेंट रूल, फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, फॉर प्रोरोगिंग
हाँ भाई, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर अंडर 356 में, आर्टिकल 356 में दिया है। ठीक है, 202 में क्या है? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड वाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि अभी जितने दिन पढ़ रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो 202 में क्या है कि गवर्नर ऑफ झारखंड पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे प्रभात श्रीवास्तव। कौन थे? प्रभात श्रीवास्तव। हु इज द, अच्छा यहाँ से फर्स्ट हाई कोर्ट के जज भी पूछते हैं, तो आप कमेंट में करके बताइए, लिख करके, फर्स्ट हाई कोर्ट जज कौन थे? हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड, पहला वुमेन गवर्नर झारखंड की कौन बनी थी? बनी, तो वो बनी कौन जो अभी भी हैं, वो द्रौपदी मुर्मू। काफी चर्चे में रहती हैं द्रौपदी मुर्मू। 204 क्या है? द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ विच गवर्नर ऑफ झारखंड इज पेशावर, पाकिस्तान इन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये तो पूछना ही चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बोलता है कि इनमें से कौन से गवर्नर जो बने हैं अभी तक टिल नाउ झारखंड के, उनका जन्म स्थान पेशावर है, पाकिस्तान। अब भले तब था, अब तो बाद में इधर आ गए होंगे। तो ये वेद प्रकाश मारवा का जन्म कहाँ पे है? पेशावर, पाकिस्तान में। ठीक है, 205 क्या बोलता है? तो 205 कह रहा है सवाल में कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच गवर्नर ऑफ झारखंड इज पगडंडी से शहर तक। देखिए, इनमें से कौन से गवर्नर का जो ऑटोबायोग्राफी है वो पगडंडी से शहर तक के नाम से लिखा गया है? तो वो है आंसर क्या? सैयद अहमद का। सैयद अहमद जो गवर्नर बने हैं, बने थे उनका पगडंडी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पगडंडी से शहर तक। 206, द्रौपदी मुर्मू इज ओरिजिनली फ्रॉम विच स्टेट? वाओ, ये उड़ीसा से हैं ओरिजिनली। कहाँ से है? उड़ीसा से। द्रौपदी मुर्मू किस स्टेट से हैं? तो उड़ीसा से। 207 क्या कहता है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर विल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये बताया गया कि किसी भी विधानसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, है ना, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उसमें से इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड करके जो टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स होंगी, जैसे कि झारखंड में अगर 81 है तो 81 का 15% ही जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बताया गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? तो अमेंडमेंट एक्ट 91 में। ठीक है, तो 208 क्या बोलता है कि ऑन हुज विल डू द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू इन देयर पोजिशन, मतलब किसके विल, किसके इच्छा से ये लोग अपने पोजिशन को बरकरार रखते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करता है कि कौन हटा सकता है इन्हें? तो गवर्नर, गवर्नर हटा सकता है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एनी टाइम। 209 क्या है? द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज, वाओ, पहले चीफ मिनिस्टर झारखंड के कौन थे? तो ये थे बाबूलाल मरांडी। 210 क्या कहता है? हाउ मेनी टाइम्स टिल नाउ शिबू सोरेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो ये 3 बार बन चुके हैं अभी तक झारखंड में चीफ मिनिस्टर। 211 क्या है? वन वॉज द मधुकोड़ा, अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि कौन कौन से ईयर में ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये आपको लिख करके बताना है कौन कौन से ईयर में ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, 211 क्या है? वेन वॉज मधुकोड़ा स्वॉर्न इन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? अच्छा, मधुकोड़ा जो फेमस 400 करोड़ वाले घोटाले वाले, है ना, ये कब झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे? तो ये बने थे 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 212 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो ये नॉन ट्राइबल पहले कौन थे? तो वो रघुवर दास। क्या सही है? मिस्टेक हो गया। ये रघुवीर लिखा यार, स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, यहाँ पे रघुवर लिखना है, रघुवर
दास, अच्छा आप समझ तो गए ना रघुवर दास। ठीक है दोस्तों, तेरा नंबर क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ प्रोविजन ऑफ हैविंग एन असेंबली इन द स्टेट। किसी एक स्टेट में विधानसभा होगी है ना, असेंबली होगी, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 170 आर्टिकल नंबर 170 में, सही है। 214 क्या बोलता है, टोटल मेंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन झारखंड आर, ये कितना है अभी मैंने लिख करके बताया, तो ये 81 है। 215 क्या बोलता है, हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर द झारखंड असेंबली, तो झारखंड असेंबली के लिए कितने एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये एक एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे एक और सवाल है कि अभी कौन से एंग्लो इंडियन हैं जो कि एमएलए हैं यहाँ पर झारखंड में, तो 216 में क्या है कि हाउ मेनी सीट्स फॉर झारखंड असेंबली आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, जो असेंबली इलेक्शन है मतलब एमएलए की इलेक्शन है, जो विधानसभा चुनाव होती है, इसमें से कितने सीट्स हैं जो कि झारखंड के ट्राइब्स के लिए, यहाँ पे ट्राइब्स ने शेड्यूल कास्ट एससी के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो एससी के लिए कितने 9 सीट्स रिजर्व किए गए हैं। 217 क्या है, अंडर आर्टिकल 178 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुज पोस्ट इज फिक्स्ड, किसका पोस्ट फिक्स्ड होता है, तो असेंबली स्पीकर का पोस्ट फिक्स्ड होता है यहाँ पर। 218 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट बिल इज अ मनी बिल, मनी बिल है, इनमें से कौन डिसाइड करता है, तो असेंबली के स्पीकर डिसाइड करते हैं, असेंबली के जो भी स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है। 219 में क्या है, विद इन हाउ मेनी डेज द मनी बिल मस्ट बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल और एल्स इट इज कंसिडर्ड पास्ड ऑटोमेटिकली, कहा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिन के अंदर असेंबली में मनी बिल को पास कर देना होता है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली क्या समझा जाएगा कि पास हो गया, तो ये आंसर है 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर क्या होता है मनी बिल को पास करना होता है असेंबली में, अदरवाइज ये समझा जाएगा कि ऑटोमेटिकली ये पास हो चुका है। 220 क्या है, आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन दैट स्टेट डैश विल हैपन, आर्टिकल 214 में क्या है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 214 में आर्टिकल में कहा जा रहा है कि क्या होना चाहिए स्टेट के पास, तो ये कहता है कि हाई कोर्ट होना चाहिए, हालांकि ये सब भी चीज़ें होना चाहिए, बाकी जो क्लासेस जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कौन से आर्टिकल में, ये एक सवाल मैं पूछ देता हूँ आपसे, कमेंट करके बताइए कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए किस आर्टिकल में लिखा गया है हर स्टेट के पास। 221 क्या है, 221 कहता है कि हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं कौन, तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, 222 क्या है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 केसेस रिलेटेड टू डैश फॉल अंडर द हाई कोर्ट, क्या है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226, जो आर्टिकल 226 के अंदर क्या कौन से केसेस हैं जो कि हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, तो हाई कोर्ट के अंदर आते जो केसेस हैं वो हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए हाई फंडामेंटल राइट्स का केस क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है, आपका हाई कोर्ट्स भी ले सकता है, तो 31A जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेता है और आर्टिकल 226 क्या है वो हाई कोर्ट लेता है। ठीक है, 223 क्या है, हु परफॉर्म्स अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, तो ये गवर्नर करते हैं, कौन करते हैं, तो गवर्नर करते हैं। 224 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट लॉ ऑफिसर, इनमें से कौन होता है स्टेट का लॉ ऑफिसर, तो कौन होता है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, तो ये सेंटर के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन देयर पोजिशन टिल द विन, टिल द विन, अच्छा यहाँ पे एक सवाल मैं 24 नंबर का पूछ देता हूँ कि अभी के एडवोकेट जनरल कौन है, अभी के आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, बताना है कि एडवोकेट जनरल अभी के झारखंड के कौन है।
ठीक है, 224-225 चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन दर पोजिशन टिल द विल ऑफ द गवर्नर, कहता है कि इनमें से कौन है जो गवर्नर के इच्छा अनुसार अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एडवोकेट जनरल, है ना। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर और उन्हीं के हिसाब से ये अपनी पोजीशन पे रह सकते हैं। 226 क्या है, व्हेन वाज द झारखंड लोकायुक्त एक्ट पास। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ था। अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, ये लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ, तो ये पास किया गया 2001 में, 2000 में झारखंड बना और 2001 में ये पास हो गया। हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ झारखंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लोकायुक्त झारखंड के कौन थे, तो झारखंड के पहले लोकायुक्त थे, आप बताइए, 207 में है झारखंड के पहले लोकायुक्त, तो जस्टिस, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस रामोराव, नहीं जस्टिस लक्ष्मण ओराव, इसका आंसर क्या है, जस्टिस लक्ष्मण ओराव पहले लोकायुक्त बने थे, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द झारखंड, झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए, 24 डिस्ट्रिक्ट। और भी यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि रिसेंट डिस्ट्रिक्ट कौन है, जो सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट बना उसका नाम लिख करके बताइए। 229 क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स इज द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इन टू इन द झारखंड, कहता है कि रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड कितने हैं, मतलब डिवीजन कितने हैं झारखंड में, तो झारखंड में कितने हैं, 5 डिवीजन, कौन कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान डिवीजन इधर ही है, और इधर संथाल परगना, और एक और आता है कौन, तो पलामू डिवीजन, कौन आता है, पलामू डिवीजन, ठीक है। तो 5 हैं, ठीक। चलिए 230 देखते हैं, 230 में क्या है कि व्हेन वाज द पंचायत राज एक्ट पास्ड इन झारखंड, झारखंड में पंचायत राज एक्ट कब पास किया गया था, तो 2001 में ही लोकायुक्त भी बनाया गया, 2001 में झारखंड पंचायत राज भी बनाया गया। अब इसमें से एक सवाल जो आता है बहुत ही फेमस है कि फर्स्ट पंचायत राज, जो पंचायत इलेक्शन हुआ झारखंड में आफ्टर एक्ट वाज पास, ये एक्ट जब पास हुआ उसके बाद पहला इलेक्शन कौन से ईस्वी में हुआ, तो 2010 में हुआ था। कब हुआ था, 2010 में। 232 क्या बोलता है, हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ झारखंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड रीजन, देखिए कितने ब्लॉक हैं झारखंड में, है ना, उसको शेड्यूल्ड रीजन घोषित किया गया है, तो ये कितना है, 132 ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 132 ब्लॉक को बोला गया है कि ये शेड्यूल्ड रीजन का ब्लॉक है। अकॉर्डिंग टू 233 चलते हैं, अकॉर्डिंग टू झारखंड पंचायत राज एक्ट 2001 अंडर हुम द विलेज रक्षा दल कंस्टिट्यूटेड, विलेज रक्षा दल बनाया जाता है वो किसके अंदर होता है, तो वो ग्राम पंचायत के अंदर आता है। 234, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनमें से कौन है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है, तो ये आता है इनमें से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कौन, तो चास, देखिए चास आता है ना, बोकारो में चास, ठीक है। 235 क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड ओनली कंटोनमेंट बोर्ड इंस्टॉल्ड, झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र कंटोनमेंट बोर्ड इंस्टॉल्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड मतलब कैंट, जो आर्मी कैंट बोलते हैं ना, जहाँ पे आर्मी रहते हैं और उनके पूरे बटालियंस रहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, रामगढ़ में। 236 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, देखिए अभी इसमें आपको याद होना चाहिए मैप झारखंड का, तभी ये आसान हो पाएगा। तो 236 का क्या है कि छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर का पार्ट इनमें से कौन सा डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए चतरा क्या है, नॉर्थ में आता है, गिरिडीह ये भी नॉर्थ में आता है, धनबाद ये भी नॉर्थ में आता है, ये खूंटी आता है जो साउथ में आ जाता है, रांची के इधर नीचे में, है ना, रांची के नीचे में आ जाता है खूंटी, तो ये पूरा पूरी साउथ में आ जाता है ये। हु बिकम द 237, हु बिकम 24th डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, भी
24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड कौन हुआ? तो रामगढ़। अब रामगढ़ 24th डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये कब अलग हुआ ये आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। 238 चलिए देखते हैं। 238 कहता है कि हु वॉज द फर्स्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ झारखंड, पहले विधानसभा स्पीकर झारखंड के कौन थे? तो ये कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 239 क्या था? पहले विधानसभा स्पीकर, पहले कोर्ट, पहले हाई कोर्ट के जज, पहले मुख्यमंत्री, पहले और कौन से, पहले लोकायुक्त, ये सब चीज़ें हैं जो सवाल, पहले गवर्नर, ये सब चीज़ें हैं जो सवाल आ सकता है, तो सबको याद रखना है। 239 क्या है कि व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 2009 में, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल, अभी तक 2020 तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है झारखंड में? तो वो कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार, सी ऑप्शन। रांची डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिवीज़न, देखिए रांची डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीज़न का पार्ट है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न कौन सा है? साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है। इसमें भी मैप अगर याद रहे आपको तो आप आसानी से बता सकते हैं। लास्ट, इधर लास्ट नहीं है, 242 क्वेश्चन है जो ये कहता है व्हेन वाज द खूंटी सेपरेटेड फ्रॉम रांची एंड कन्वर्टेड इनटू न्यू डिस्ट्रिक्ट, खूंटी को कौन से ईयर में सेपरेट किया गया और नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई? तो इसका आंसर क्या है? 2007 में। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाज, जो जब स्टेट बना 2001 में, तो पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन बना? तो पहला डिस्ट्रिक्ट उसके बाद बना सिमडेगा, ठीक है। कब बना ये आप लिख करके बताइए। 244 क्या है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कोल्हान डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? चाईबासा में, चाईबासा में। अब जो बाकी चार डिवीज़न बच गए उनके उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए ताकि आपको याद हो जाए, बाकियों को भी हेल्प हो जाए इसमें। 245 क्या है? व्हेन वाज सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट में कब तोड़ा गया? कब तोड़ा गया सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट में? तो हाँ, ये तोड़ा गया कब? 1990 को, ठीक है। 246 क्या है? जमशेदपुर सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिवीज़न, जमशेदपुर सिटी कौन से डिवीज़न का पार्ट है? तो ये हो जाएगा आंसर क्या? कोल्हान डिवीज़न का पार्ट है ये। कौन से डिवीज़न का? तो कोल्हान डिवीज़न का। और कोल्हान डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी मैंने बताया आपको कहाँ पे है, चाईबासा में। 247 क्या है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि अभी लिखने बोला मैं आप लोगों को कि आप कमेंट में लिख करके बताइए बाकी का, तो वही सवाल भी आगे 247 क्या है? पलामू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पलामू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेदिनीनगर में। कहाँ पर है? मेदिनीनगर में, सही है। आगे चलते हैं, ओ सॉरी। 248 क्या है? हु सुपरवाइजेज अ विलेज कोर्ट इन झारखंड, झारखंड में जो विलेज कोर्ट होता है उसको सुपरवाइज कौन करते हैं? तो उसको सुपरवाइज करते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। 249 क्या है? व्हेन डिड संथाल परगना वाज क्रिएटेड एज अ डिवीज़न, संथाल परगना को किस कब डिवीज़न में क्रिएट किया गया? मैं आपको हिंट देता हूँ, जब संथाल परगना का विद्रोह था, हो रहा था, ठीक है, लगातार बहुत ही ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, उसी का नतीजा था कि संथाल परगना को डिवीज़न के रूप में बनाया गया बाद में, तो ये बनाया गया था 1983 को। 250 क्या है? वेयर, और इसका संथाल परगना का हेडक्वार्टर अब कहाँ पर है ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया, संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? दुमका में। 250 के बाद 251 आ जाते हैं हम लोग। 251 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ संथाल परगना डिवीज़न, संथाल परगना का डिवीज़न का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में नहीं आता है? तो जामताड़ा आता है, गोड्डा आता है, चतरा नहीं आता है, पाकुड़ आता है, चतरा इसका आंसर हो जाएगा। संथाल परगना को आप याद करेंगे तो एकदम चले जाइए उधर नॉर्थ ईस्ट के कोने में, सारे जितने हैं वो संथाल परगना। अब चतरा को ध्यान में रखिएगा, चतरा में आता है लगभग नॉर्थ वेस्ट में ये, तो देर इज़ अ डिफरेंस कि आप
पॉइंट या फिर आप डिश डिश सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को देख करके। इसीलिए ये सेशन ज़रूरी होता है क्वेश्चन आंसर का। एक बार पढ़े हुए हैं तो आप बना सकते हैं। 252 क्या है कि बॉर्डर ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट टचेज विच ऑफ द नेबरिंग स्टेट। देवघर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो इनमें से कौन से नेबरिंग स्टेट को टच करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार को। ऊपर में है बिहार, ये डिस्ट्रिक्ट भी ऊपर में है। 253 क्या है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कौन थे। ये भी बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे झारखंड के, तो ये थे B.S. दुबे। कौन थे, B.S. दुबे। 254 क्या है, हु वाज द फर्स्ट, अभी कौन है चीफ सेक्रेटरी, आप वो याद कर लीजिए, आप वो लिख करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड असेंबली ऑफ झारखंड, पहली नॉमिनेटेड असेंबली कौन थी झारखंड की। तो ये थी, मतलब मैंने बताया ना कि एक नॉमिनेटेड असेंबली होती है एंग्लो इंडियंस के लिए, तो ये कौन थे, तो ग्लेन जोसेफ गल्स्टाम, है ना। और अभी कौन है आप वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। 255 क्या है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द झारखंड, झारखंड के पहले वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे। तो ये जोबा मांझी, जोबा मांझी थी जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, पहली कैबिनेट मिनिस्टर। आप कमेंट में लिखिए कि कब थी, किसके सरकार में थी और कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था। 256 क्या है, आउट ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया विच नंबर इज द झारखंड हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन रांची। मतलब झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो कितने नंबर का हाई कोर्ट बना पूरे इंडिया में, जितने भी स्टेट कोर्ट्स बन रहे थे उसमें से कितने नंबरवें पे बना झारखंड का हाई कोर्ट, तो ये बना था 21वें नंबर पर। 257 क्या है, हु वाज द, अब इसके आगे इसमें कुछ नहीं है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी कौन है और फर्स्ट कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चेयरमैन कौन थे इसके, तो पहले चेयरमैन थे पथिक चंद्र हेम्ब्रम, पथिक चंद्र हेम्ब्रम। और आपको अभी का हमेशा की तरह आप कमेंट में बताइए अभी कौन थे, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, या फिर याद हो तो रिवीजन हो जाए। डेफिनेटली अभी के लिए हेल्प कर देता हूँ मैं ये कि IAS ऑफिसर हैं, मतलब थे, वॉज एन IAS ऑफिसर, तो अभी के चेयरमैन वही हैं। कमेंट करके आप नाम बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज सब डिविजनल ऑफिसर इन झारखंड हैव। सब डिविजनल SDO जो होते हैं झारखंड में, उनको क्या पावर दिया जाता है। तो SDO की पावर होती है क्या, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, नहीं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं, ऑल ऑफ द एवब को संभालते हैं ये, मतलब नहीं नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब को संभालते हैं ये। कौन कौन सा, डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एवब हो जाएगा इसका आंसर। 259 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबिलिटी ऑफ सर्कल ऑफिसर CEO इन झारखंड। CEO की इनमें से क्या लाइबिलिटी नहीं है, तो CEO की इनमें से लाइबिलिटी नहीं होती है इनमें से, ऑप्शन सी, लैंड सेल एंड परचेज, लैंड सेल और परचेज का जो भी काम होगा उनमें ये लायबल नहीं होंगे। बाकी लैंड रेवेन्यू के लिए लायबल होंगे, मतलब इनके लिए ज़िम्मेदार होंगे, लैंड रिकॉर्ड के लिए ज़िम्मेदार होंगे, लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड अक्वायर्ड लैंड के लिए भी ज़िम्मेदार होंगे। 260 नंबर क्या है, अंडर द पंचायती राज सिस्टम इन द झारखंड व्हाट वाज फॉर्म्ड द लोएस्ट लेवल, मतलब लोएस्ट कोर्ट कौन सा होता है अंडर द पंचायती राज। तो आप इसमें से गेस करिए, क्या ग्राम समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, या फिर ग्राम पंचायती समिति होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो सबसे लोअर जो कोर्ट होता है वो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। 261 क्या है, अंडर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंडर पंचायती राज सिस्टम इन झारखंड व्हाट इज फॉर्म्ड एट द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पर कौन होता है, तो इंटरमीडिएट लेवल पर कौन होता है, पंचायत समिति होता है,
पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पर, है ना। 262 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है, है ना। ग्राम सभा इज अ फोकल पॉइंट ऑफ द लोकल एक्टिविटीज एट द लोवेस्ट लेवल, क्या है ये, नहीं। बढ़न इज अ हेड ऑफ, अच्छा बढ़न इज अ हेड ऑफ ग्राम पंचायत, नहीं। हेड ऑफ द पंचायत समिति इज कॉल्ड हेड ऑफ द ब्लॉक, नॉट, डेफिनेटली नॉट। द टेन्योर ऑफ ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस इज 6 ईयर, हाँ ये क्या है, गलत, ये गलत है ना। 263 क्या है, हु इज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द ब्लॉक लेवल इन द झारखंड, झारखंड में जो है ब्लॉक लेवल के, ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, तो ये होते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्हें कहते हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द झारखंड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन झारखंड में इनमें से कौन सा यूनिट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, तो क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, नहीं, एक सेकेंड, 264 क्या बोलता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपलिटी तो नहीं है, म्यूनसिपल डेवलपमेंट ये है, ये नहीं है, है ना, क्या ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। 265 क्या है, रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी RRDA इज़ अंडर विच डिपार्टमेंट, तो इस किसके अंदर में है ये डिपार्टमेंट, तो 265 का आंसर हो जाएगा क्या, म्यूनसिपल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, क्या जिला परिषद के अंदर नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नहीं अंदर नहीं है, ना ही म्यूनसिपल डेवलपमेंट कमेटी के अंदर है, ये किसके अंदर है, तो ऑप्शन सी। 266 में क्या है, 266 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड द हेडक्वार्टर, अच्छा ये मतलब इसमें से कौन सा पेयर क्या है वो गलत है, वेस्ट सिंहभूम चाईबासा सही है, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर सही है, पलामू डाल्टनगंज सही है। एक सेकेंड, वेस्ट सिंहभूम चाईबासा बिल्कुल, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर अगेन ये भी सही, पलामू डाल्टनगंज ये भी सही है। तो सवाल क्या पूछ रहा है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द डायर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स हेडक्वार्टर, अरे यार ये इनकरेक्टली के जगह पे इसको क्या होता है, करेक्टली कर दो तब ये सही हो जाएगा इसका आंसर, सभी तो सही है ना, तो ऑल ऑफ द दिस इसमें फिर मार सकते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अब इकोनॉमिक कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग, 267 क्या बोलता है, 267 में कह रहा है कि देर आर एरिया ऑफ द झारखंड इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इन द इंडिया, जो भारत का है टोटल एरिया उसमें से कितने एरिया में है झारखंड, तो ये हो जाता है 2.5% में, ठीक है। 268 क्या है, एज पर द 2011 सेंसस, 2011 का जो जनगणना, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ झारखंड लाइव्स इन रूरल एरिया, तो कितने परसेंट ऑफ जो झारखंडी है जो कि गांव में रहते हैं रूरल में बसते हैं, तो 76%। 269 क्या है, विच इज़ द सेकेंड मेजर क्रॉप इन द झारखंड, झारखंड में जो सेकेंड मेजर क्रॉप है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, मेज, है ना। 270 क्या है, आर्टिकल है, सॉरी 270 क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द
बाजरे की जो सबसे ज़्यादा खेती होती है झारखंड में, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो ये होता है कहाँ पर? दुमका में। ठीक है, 271 की बात करें हम लोग, तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम, है ना? सबसे ज़्यादा ग्राम कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है झारखंड में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर हर चीज़ में पलामू क्या है, आगे है, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। तो एक तुक्का काम आ सकता है आपके। वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द अवेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर इन द स्टेट? सरफेस वाटर स्टेट में कितना अवेलेबल है? तो ये आंसर हो जाता है कितना, 2,56,500। ऑप्शन ए इसका होगा डेफिनेटली, 570 लाइक कुछ से क्यूबिक मीटर्स, है ना? ये यूनिट है सरफेस वाटर में, सरफेस वाटर का। 273 क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ ऑफ द अवेलेबल सरफेस वाटर इन द स्टेट इज़ यूज्ड? जितना सरफेस वाटर है उसमें से कितना परसेंट यूज़ किया जाता है झारखंड में? तो इसका आंसर क्या है, 23%, मात्र 23% को ही यूज़ किया जा पाता है। 274 क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नेट सोन एरिया इन द स्टेट इज इरीगेटेड? जितनी भी परसेंट एरिया है झारखंड में उसके कितने परसेंट में इरीगेशन होता है सिर्फ? तो बहुत ही कम परसेंट में होता है, बहुत ही कम बोल दिया है, तो सबसे कम वाले में आप मार सकते हैं, दैट इज़ 12%। लगभग 12% ही एरिया है झारखंड के लैंड का जिसमें इरीगेशन पॉसिबल होता है और इरीगेटेड वो सब कहलाते हैं एरिया। ठीक है, 275 की बात करें अगर, तो वेन वॉज द स्टेट वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड? जो स्टेट का वाटर पॉलिसी है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो ये 2015 में स्टेट वाटर पॉलिसी आई थी, ये इम्प्लीमेंट की गई थी 2015 में, सॉरी। 276 क्या है, वेन वॉज द प्राइम मिनिस्टर इरीगेशन स्कीम स्टार्टेड? प्राइम मिनिस्टर इरीगेशन, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्राइम मिनिस्टर इरीगेशन स्कीम कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं अब हम लोग, 277 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द झारखंड्स रैंक इन पॉपुलेशन इन इंडिया? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हालांकि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो झारखंड का रैंक है पॉपुलेशन में वो कितना है, 13। 13 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 होगा आंसर। ठीक है, क्या होगा, 14। 278 क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्टेट? तो इसका आंसर क्या है, 414 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 414 लोग रहते हैं झारखंड में। 279 क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो कहाँ पर है ये, धनबाद में। सबसे कम कहाँ पर है ये कमेंट करके आप बताएं। 280, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट? इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट कौन है, कौन है सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट? तो ये कौन है, रांची। ऑब्वियसली रांची इज़ द स्टेट कैपिटल, सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी होगा। 281 क्या बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड? झारखंड का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 66। एक्चुअली 66 नहीं है, 67 है, तो आप रफली एक डेटा वो याद रखते हैं, है ना। 282 क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन द स्टेट? देखिए वुमेन का कितना स्टेट है लिटरेसी रेट का झारखंड में, तो ये कितना है, 55%। 282 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 283 क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है? तो वो पाकुड़ के है। टू, सबसे गरीब राज्य भी बोले, स्टेट बोले, सबसे पिछड़ा, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला, सब यही पाकुड़ आ जाता है ना। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो सेक्स रेशियो है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? सेक्स रेशियो का हाईएस्ट होने का मतलब क्या है,
कि मेल फीमेल का रेशियो बहुत ज़्यादा, मतलब गैप दोनों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब सबसे ख़राब टाइप से आप बोल सकते हैं। तो 284 का आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। 285 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ 6 0 to 6 एज ग्रुप इन झारखंड। 0 to 6 एज ग्रुप के बच्चों का अगर सेक्स रेशियो देखें तो वो कितना है झारखंड में, तो वो है 948। मतलब पर 1000 बॉयज़ में 948 गर्ल्स हैं झारखंड में। वो कितना, 0 to 6 एज ग्रुप के एज की बात करेंगे हम लोग तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 286, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द झारखंड। इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है उसके कितने परसेंट पॉपुलेशन झारखंड में रहती है, तो कितना रहती है, 2.72%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड। ऑब्वियसली इसका अनुमान आप लगा सकते हैं बिना ऑप्शन देखे, तो दैट इज़ रांची डिस्ट्रिक्ट। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, रांची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म को लेकर के सवाल देखते हैं, यहाँ से तो सवाल आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे, एक ना एक तो सवाल डेफिनेटली रहेगा। व्हेन वाज द टूरिज्म पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन झारखंड, झारखंड में टूरिज्म पॉलिसी कब इंप्लीमेंट करी गई थी, तो ये 2008 में करी गई थी, ठीक है। उसके बाद जेटा इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, जेटा कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। 290 पे देखें तो डैश इज लोकेटेड इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आप लोग अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए कितना ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान होता है ना। राजमहल को एलिमिनेट कर सकते हैं आप, संथाल परगना का एरिया है, नहीं होगा क्योंकि कोडरमा तो इधर आ जाता है। बेतला पार्क ये भी नहीं होगा, बहुत फेमस है लातेहार में। अब इचागढ़ बर्ड सेंचुरी आता है और गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी आता है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा 50-50। आप अगर इसके बाद नहीं भी कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर, गौतम बुद्ध सेंचुरी, ठीक है। 291 क्या होता है, वेयर आर द झारखंड फेमस चोटल शीतलपुर एंड केव्स ऑफ मललमपुर। हाँ, मललमपुर, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये सब, तो ये सब लोकेटेड है पालकोट में। कहाँ पर, पालकोट में। 292 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर द फेमस जुबली पार्क एंड डालमा हिल लोकेटेड। जुबली पार्क और डालमा हिल इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है जमशेदपुर। कहाँ पर है, जमशेदपुर में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि जमशेदपुर इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सिंहभूम की बात करनी चाहिए थी इसे, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख करके ये गलत कर दिया। इन विच ऑफ द सिटी आप यहाँ पे बोल देता तो, क्योंकि डालमा लेक तो यहाँ पर है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिला दिया जाए तो डालमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो डालमा हिल भी यहीं पर है इस सिंहभूम में, तो ये पे जमशेदपुर को कहना गलत है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। 293 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। धनबाद में इनमें से कौन सा नहीं लोकेटेड है, मैथन डैम है, सॉरी पाल्टन घाट, तोपचांची लेक ये भी है, डांगी माउंटेन ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाल्टन घाट्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, लास्ट तक आ चुके हैं क्वेश्चन करते करते, अब आखिरी के 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 294 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट। इसमें से पलामू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, चियांकी है, माधव पोखर यही नहीं है, ठीक है। लोधा वाटरफॉल वहीं पर है और टाटा पानी हॉट स्प्रिंग वहीं पर है ना, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। 295 की बात करें अगर, तो 295 में है, झारखंड फेमस कोलुआ कोलेश्वरी माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। देखिए कोलुआ कोलेश्वरी पहाड़ किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है,
तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 296 के है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड है? तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है पहला क्या है, दवाइसधारी माउंटेन। हाँ ये भी है, ये तो है। सॉरी एक सेकंड, कहाँ घसक रहे हो भाई। दवाइसधारी माउंटेन है, पेट्रो वाटरफॉल भी वहीं पे है, द एंटायरमेंट ऑफ जोरा सीमर डिस्ट्रिक्ट ये भी है। तो ऑल ऑफ द एबव क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव। 297 की अगर बात करें तो 297 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द रोज एग्जिबिशन ऑर्गेनाइज एनुअली। इनमें से कौन से सिटी में रोज एग्जिबिशन, गुलाब का एग्जिबिशन हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो वो कहाँ किया जाता है, रांची में। 298 क्या है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिटी इज़ नोन एज शिमला ऑफ झारखंड। शिमला ऑफ झारखंड किस सिटी को कहते हैं? तो ये भी अगेन रांची है ना, रीजन वही रहा होगा कि यहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत अच्छी खासी। 299 क्या है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन द धनबाद डिस्ट्रिक्ट। ओ माई गॉड, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं लोकेटेड है? ओके, द मैथन डैम पे है, तो चांची भी है, दांगी माउंटेन भी है, मसानजोर डैम। ओके ओके यस, मसानजोर डैम कहाँ पर है लोकेटेड? तो ये दुमका और बंगाल, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में आ जाता है ये, ठीक है ठीक है। 300 क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और आप इसके बाद क्वेश्चन की समाप्ति हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बात आपसे कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप कर लें। व्हाट इज़ द मोराबादी हिल इन रांची नोन नाउ नोन एज। मोराबादी हिल का नाम बदल करके, या फिर जो मोराबादी हिल था वो नाउ किस नाम से जाना जाता है? तो वो टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है।